अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सही आ रही है। अच्छा थोड़ा सा मैं वेट कर रही थी, कुछ स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर लें और बेहतर हो जाएगी अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो कल हमने टॉपिक स्टार्ट करा था उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है वो फर्दर उसको आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, कल जो हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, और चैप्टर 5 जो है वो हमारा, आपने डिस्कस किया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका सेक्शन ए में से। सबसे ज़्यादा जो वेटेज के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो इसी में से आ रहे होते हैं। हमने स्टार्ट लिया था प्रोडक्शन फंक्शन से, क्योंकि अब जो हम बात कर रहे हैं वो प्रोडक्शन थ्योरी पे हम आ गए हैं। कंज्यूमर थ्योरी हमने कवर कर ली है, हम प्रोडक्शन प्रोड्यूसर थ्योरी पे आ गए हैं। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने बात करी थी सबसे पहले कि प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने उसको फंक्शन फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस किया था कि प्रोडक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो में हमारे पास चारों फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर हमने उसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन निकाला था, जिसमें हमने हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन आया था वो कुछ इस तरह था कि आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ, या प्रोडक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो उस लेबर में हमने कंबाइन कर दिया था जो एंटरप्रेन्योर को भी, और ह्यूमन रिसोर्स को एक तरफ कर दिया था, और जो आपकी नॉन ह्यूमन रिसोर्स उनको एक जगह पे कर दिया था। जब फिर हमने बात करी थी कि प्रोडक्शन फंक्शन को हम शॉर्ट रन में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसको शॉर्ट रन के टर्म्स में भी हम डिफाइन कर रहे होते हैं और लॉन्ग रन के टर्म में भी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले उसके लिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस देखा जाए तो शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें एटलीस्ट एक फैक्टर आपका फिक्स्ड हो। ठीक है, एटलीस्ट अगर आपका एक फैक्टर फिक्स्ड हो, मोर देन वन फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपका एक फैक्टर फिक्स्ड हो तो आप कहते हैं कि ये आपका क्या है, शॉर्ट रन है। और अगर आप सारे फैक्टर्स को इजीली वेरी कर सकते हो तो वो आपका लॉन्ग रन कहलाता है। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी इन द एंड हम डिस्कस करेंगे वो होगी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉन्ग रन में जो थ्योरी हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, रिटर्न टू स्केल जो है वो हम कॉन्सेप्ट लॉन्ग रन में डिस्कस करेंगे। फिर हमने स्टार्ट करा था अपना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें हमने बात ये करी थी, और अभी हमने अजम्पशन नहीं देखी है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, और वो इतनी अजम्पशन इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी कि मैं उसको पहले से जो है करवा दूँ। पहले मेरी फोकस थी तो लॉ जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। लेकिन एक अजम्पशन ऐसी थी जो कि कल एक क्वेश्चन स्टूडेंट का मेरे पास आया था, जिसकी वजह से हाँ मुझे ये था कि आप लोग में कहीं इस तरह का कुछ ना सोचा हो कि जो हम लेबर हायर कर रहे हैं कि कहीं वो लेबर जो है वो इस एक जो स्टार्टिंग लेबर है कहीं वो ज़्यादा स्किल्ड तो नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज हो रही है वो इंक्रीजिंग रेट से हो रही है, और उसके बाद जो लेबर आ रहे हैं उनकी वो इतने स्किल्ड नहीं है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्रीजिंग रेट से हो रही है। तो कोई भी इस तरह का नहीं सोचे, क्योंकि जो हमारी अजम्पशन है जो हम देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वो है होमोजीनियस फैक्टर। ठीक है, जो हम वेरिएबल फैक्टर ले रहे हैं वो होमोजीनियस होगा, आइडेंटिकल होंगे। इट मीन्स के
ये नहीं हो सकता कि एक फार्मर स्किल्ड और दूसरा फार्मर स्किल्ड ना हो, ठीक है? तो सारे फार्मर्स जो हैं वो सेम, मतलब उनमें से कोई भी जो है वो दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा स्किल्ड नहीं होगा. तो होमोजीनियस फैक्टर की अजम्पशन जो है वो हमने अपने जहन में रखनी है. अच्छा, तो हमने बात ही करी थी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब आप फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो स्टार्ट में इनिशियली जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है और फिर वो एक पॉइंट पे मैक्सिमम पे पहुंचती है, ठीक है? और उसके बाद जो है आपकी पहले इंक्रीजिंग रेट से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और उसके बाद जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज जो है वो इंक्रीज होती है और फिर एक पॉइंट पे मैक्सिमम पे पहुंचती है और फिर वो नेगेटिव हो जाती है. ये किसकी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी है? टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व की, कि पहले वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, फिर वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है और फिर वो फाइनली अपने मैक्सिमम पे पहुंच के वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया. इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना इट मीन्स कि अगर हम इसकी स्लोप की बात करें तो टोटल प्रोडक्टिविटी का स्लोप क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. तो अगर हम इसी स्टेटमेंट को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के टर्म में एक्सप्लेन करें तो हम कैसे करेंगे कि एल स्टैंड फॉर लेबर, के स्टैंड फॉर कैपिटल, ठीक है? कि जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो स्टार्ट में इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो वेरिएबल इनपुट का वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, फिर वो मैक्सिमम पे पहुंचेगा और उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली इट बिकम्स नेगेटिव, ठीक है? तो ये हमने कल जो है वो बात करी थी. अशर अशर टोटल प्रोडक्टिविटी पहले आपकी जो है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी, ठीक है? फिर ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी. यहाँ पे ये इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है, ठीक है? पहली स्टेटमेंट जो मैंने दी थी वो टोटल प्रोडक्टिविटी के टर्म में दी थी, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट मैंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के टर्म में दिया है, ठीक है? तो टोटल प्रोडक्टिविटी पहले इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट होगी, देन इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट होगी इस पूरे एरिया में, फिर यहाँ पे ये मैक्सिमम पे पहुंची है और उसके बाद जो है ये वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है? लेकिन अगर आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखें तो जब तक टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व आपका इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट पर है तब तक आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इट मीन्स यहाँ तक आपको प्लीज दिख रहा है कि आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है एट इंक्रीजिंग रेट. यानी अगर आप यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व बनाएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे कि यहाँ तक आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी, सही है? फिर जब ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व तो आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व जो है वो क्या हो जाए होना स्टार्ट हो जाएगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा, ये वो सारी बातें हैं कि जो हमने टोटल और मार्जिनल का रिलेशन देखा था किसी चैप्टर में. किसी को याद है हमने टोटल और मार्जिनल का रिलेशन देखा था किस चैप्टर में देखा था? पहले तो मुझे ये बताएं. टोटल और मार्जिनल का हमने चैप्टर 4 में देखा था यूटिलिटी की टर्म में कि टोटल और मार्जिनल का रिलेशन क्या होता है. अब मुझे ज़रा ना उसको याद करने की कोशिश करें कि जब तक आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी जो है, जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी के हमने टर्म में बात करी थी, लेकिन अभी हम यूटिलिटी का वर्ड नहीं यूज़ कर रहे, कि जब तक आपका मार्जिनल पॉजिटिव रहेगा टोटल क्या हो रहा होगा? जब तक आपका मार्जिनल पॉजिटिव रहेगा टोटल आपका इंक्रीज हो रहा होगा, वो प्रोडक्टिविटी हो, यूटिलिटी हो, कुछ भी हो. और जब आपके मार्जिनल जीरो हो जाएगा तो टोटल क्या होगा? अपने मैक्सिमम पे होगा. वेरी गुड. और जब आपका मार्जिनल नेगेटिव पे चला जाएगा तो टोटल क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. वेरी गुड. तो ये बातें चाहे आपको मतलब चाहे आप फिगर्स प्लॉट भी ना कर रहे हो, लेकिन आपको जब ये रिलेशन याद है तो फिर आपके लिए जो है वो बहुत इजी हो जाएगा खुद से भी बनाना. रिलेशन आपको पता होना चाहिए. फिर आपको एक तो ये बात पता है कि भाई यहाँ पे टोटल मैक्सिमम है तो मार्जिनल यहाँ जीरो होगा और इसके बाद ये नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है ना? अब देखो, अब हमने, और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि ये जो टोटल प्रोडक्टिविटी का कर्व है पहले ये इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट. तो जब तक ये इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से तब तक हमने मार्जिनल को इंक्रीज करके दिखाना है इसका, और फिर जब ये डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है तो हमने मार्जिनल को डिक्रीज करके दिखाना है. तो इसका कर्व बनाना कितना आसान हो जाएगा कि हम खुद से इसका कर्व बना सकते हैं. कौन सा कर्व?
कौन सा कर्व है वह? ये टोटल प्रोडक्टिविटी का कर्व है और ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व है, विच इज बेसिकली द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्टिविटी. ठीक है, मार्ज इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है, लेकिन अभी इधर फोकस रखो. वो मैं आज इंशाल्लाह पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को उसके उसके ड्राफ्टिंग भी बताऊंगी, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो आता है. पहले इधर आप फोकस रखो. अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी थी आज ना इसी से रिलेटेड. देखो, अगर मैंने अगर मेरे पास ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व आ गया, ठीक है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मेरे पास कर्व आ गया. इस्माइल, मैंने टोटल के साथ रिलेशन देखते हुए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व बनाया है. कल हमने बात करी थी ना कि जब वो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट होगा तो इट मींस उसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है. तो जब तक टोटल प्रोडक्टिविटी का स्लोप इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट तक है, तब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो कर्व है वो आपका जो है वो अपवर्ड स्लोप बनेगा. फिर जब वो डिक्रीजिंग रेट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो डाउनवर्ड स्लोप बनेगा. और जब टोटल प्रोडक्टिविटी का कर्व मैक्सिमम पे होगा, इट मीन्स उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होगी. और जब टोटल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी तो मार्जिनल नेगेटिव होगी. ये टोटल और मार्जिनल का रिलेशन हम देख चुके हैं पहले भी. मैं एक बात अगेन रिपीट करना चाहती हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स कल ऐसे थे जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, जिन्होंने जब मैंने टोटल प्रोडक्टिविटी का कॉलम बनाया और उसको समझाया तो उन्होंने उसको रिलेट कर दिया टोटल यूटिलिटी से. और प्रॉब्लम ये आई कि टोटल यूटिलिटी में अगर हम याद करें कि टोटल यूटिलिटी का जो हमने शेड्यूल देखा था वो कुछ इस तरह का, वो कुछ इस तरह था कि वो 20 से बेसिकली स्टार्ट हो रहा था और वो था 20, 35, 45, 50, 50, ठीक है, इस तरह का था. जिसकी वजह से हो क्या रहा था कि जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या आ रही थी, यानी टोटल यूटिलिटी आपकी सेम रेट से जो है वो आपकी चेंज हो रही थी. मतलब जो डिफरेंस था मार्जिनल यूटिलिटी का वो कुछ इस तरह था आपके पास के 20, 15, 10, ठीक है. तो आप, क्योंकि स्टूडेंट्स के जहन में वही बात थी कि भाई टोटल यूटिलिटी भी तो इस तरह डिक्रीज हो रही थी कि पहले इंक्रीज हो रही थी कि 5-5 के जो है वो डिफरेंस से जो है वो चेंजिंग आ रही थी, तो उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि टोटल प्रोडक्टिविटी में भी ऐसी होगा. ठीक है, लेकिन अब मेरी एक बात सुनो कि वहाँ पे हमारा क्या कोई डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था कुछ इस तरह का? वहाँ पे हमने सिंपल बात ये करी थी कि जैसे जैसे आप जो है वो कंटिन्यूसली अपनी किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन करते हैं तो हर एडिशनल यूनिट के साथ जो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, वो डिक्रीज हो रही है. अब वहाँ पे कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था कि पहले जो है वो आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीजिंग रेट से होगी, फिर डिक्रीजिंग रेट से, उसका रेट थ्रू आउट जो है वो आपका सेम था, क्योंकि वहाँ पे उसके बैक एंड पे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. लेकिन यहाँ पे जब हमने टोटल प्रोडक्टिविटी की जब आपने ना फिगर्स देखे तो फ्रेंड्स इसी वजह से कन्फ्यूज होगा, क्योंकि उनके जहन में ये था कि अगर आपने जो है वो 2 लिखा है तो उसके बाद आपको 4 लिखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी तो हम 5-5 का डिफरेंस ले रहे थे, तो यहाँ पे भी हम 2-2 का डिफरेंस लें या जो भी डिफरेंस हम सेम रखें. लेकिन जब मैंने यहाँ पे 6 लिखा तो ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया. अब ये 2, 6 और 12, कल भी मैंने ये बात बताई थी, आज दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि देखें यहाँ पे जब आपने फर्स्ट लेबर रखा और फिर फर्स्ट लेबर के बाद सेकंड लेबर रखा तो ये सेकंड लेबर फर्स्ट लेबर के मुकाबले में ज्यादा स्किल्ड नहीं था. लेकिन इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि एक एग्रीकल्चरल लैंड पे इस तरह हो रहा है कि भाई एक बंदा जो है वो जमीन को लेवल कर रहा है, दूसरा बंदा पीछे से सीडिंग कर रहा है, तीसरा बंदा पीछे से जो है वो वाटरिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल. तो काम की स्पीड बढ़ गई. ठीक है, तो जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है और उसकी वजह से स्पेशलाइजेशन होती है तो उसकी सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है. ठीक है, वो सेम रेट से नहीं बढ़ती, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है. तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट था डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन का, जिसकी वजह से यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी आपके पहले इंक्रीजिंग रेट से. फिर एक तरह से जब टास्क सारे आपके डिवाइड हो गए, अब जो नया आने वाला लेबर है उसको इस तरह से समझ लो कि वो एक तरह से हेल्प कर रहा है. ठीक है, उसका अपना कोई
मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको समझें, एक तरह से हेल्प कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी तो दे रहा है, लेकिन उसका वो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा। तो आपने देखा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ तो रही है, कुछ ना कुछ एडिशन तो हो रहा है, लेकिन उसका रेट जो है वो कम होता जा रहा है। और फिर एक पॉइंट पे आके जो है वो फिर उस प्रोडक्टिविटी ने डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। तो देखें जो टोटल प्रोडक्टिविटी जो कंटिन्यूसली कल से स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही है कि ये टोटल प्रोडक्टिविटी का कॉलम कैसे आया। देखो ये बात तो तुम लोगों को इसमें तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि नंबर कैसे आए, क्योंकि नंबर तो हम हमेशा से अज्यूम करते हुए आए। हाँ, इस बात में कंफ्यूज हो सकते हो कि ये 2 से 4 क्यों नहीं हुआ और फिर 4 से 6 क्यों नहीं हुआ, ये डिफरेंस क्यों उसका सेम नहीं रहा। तो वो बात मैंने आप लोगों को समझा दी कि प्रोडक्टिविटी डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन की वजह से इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से प्रोडक्टिव जो काम में टाइम भी आपका जो है वो कम से कम खर्च होता है, स्पीड बढ़ जाती है, हर इंडिविजुअल का अपने पर्टिकुलर टास्क पे फोकस होता है, ठीक है, उस तो बहुत सारी रीज़न की वजह से जो स्पीड है और जो प्रोडक्टिविटी का रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अच्छा जी, अब वो सारी बातें ये हम कल कर चुके थे। अच्छा, अब मुझे अगर मेरे पास कोई भी फिगर प्लॉट नहीं हुई हुई और मुझे बोला जाए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व बना हुआ है, एवरेज प्रोडक्टिविटी कर्व बना दो ज़रा, मैं बना सकती हूँ? मेरे पास फिगर्स नहीं है, मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व, मुझे पता है भाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का इन्वर्टेड यू शेप ऐसे बनता है, आपका पहले इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम पे पहुंचेगा, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनली इट बिकम्स नेगेटिव। क्या मैं एवरेज प्रोडक्टिविटी का कर्व बना सकती हूँ? बना सकती हूँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ज़रा याद दिलाओ कि मार्जिनल और एवरेज का रिलेशन हमने पढ़ा था वो कैसे पढ़ा, वो क्या था? जब आपकी एवरेज इंक्रीज हो रहा होगा, व्हेन एवरेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, तो मार्जिनल और एवरेज का क्या रिलेशन होगा? जब एवरेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होगी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्टिविटी होगी या लेस देन होगी? अनीक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने उस वक्त भी ये बात करी थी कि हमेशा याद रखिएगा कि जो मार्जिनल का रेट है वो एवरेज से हमेशा ज्यादा होगा। तो एवरेज अगर इंक्रीज हो रहा हो तो मार्जिनल हमेशा एवरेज से ज्यादा होगा। तो व्हेन एवरेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्टिविटी। व्हेन एवरेज प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज लेस देन एवरेज प्रोडक्टिविटी। और व्हेन एवरेज प्रोडक्टिविटी, अब यहाँ पे मैं मिनिमम तो नहीं लिख सकती क्योंकि एवरेज प्रोडक्टिविटी इन्वर्टेड यू शेप्ड है, तो इसका आपको मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम नहीं मिलेगा, ठीक है, वो आपको यू शेप्ड में मिल सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन एवरेज प्रोडक्टिविटी इज एट इट्स मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल हो जाएगी एवरेज प्रोडक्टिविटी का। ये रिलेशन सबको याद है, ये रिलेशन हमने पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड एवरेज, और यहाँ पे हम इसको रिलेशन देख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी। क्योंकि हमें इन दोनों का रिलेशन पता है, तो चाहे हमारे पास फिगर्स ना भी हो तब भी हम इनको प्लॉट कर सकते हैं। भाई देखो, अब आपने जो है वो एवरेज को इंक्रीज दिखाना है और आपने आपका जो मार्जिनल है, अब मैं इसको इस तरह प्लॉट कर सकती हूँ। नहीं अब्दुल गफार, कैसे सेम बनेगा? ये आपकी एवरेज डिक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल आपका ग्रेटर देन एवरेज है, ये यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट हमेशा एवरेज कहाँ से करेगा, जहां एवरेज मैक्सिमम दिखाएंगे। इंटरसेक्शन के फौरन बाद आपने एवरेज प्रोडक्टिविटी को क्या दिखाना है, डिक्रीज दिखाना है, और जब ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो आपका मार्जिनल लेस देन एवरेज है। फरवा कौन सा, एन एवरेज प्रोडक्टिविटी इज एट इट्स मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्टिविटी। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो हमेशा आपका, हमेशा हर जहां भी एवरेज और मार्जिनल की बात आएगी हमेशा वैलिड होगा। जब भी आपकी एवरेज, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो, यूटिलिटी हो, कॉस्ट हो, कुछ भी हो,
एवरेज आपका जब भी इंक्रीज होता है तो मार्जिनल का जो रेट है वो एवरेज से हमेशा ज्यादा होगा. एवरेज इंक्रीज हो रहा होगा तो मार्जिनल उससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा होगा. अगर आपका एवरेज डिक्रीज हो रहा होगा तो मार्जिनल हमेशा एवरेज से ज्यादा रेट से डिक्रीज हो रहा होगा. इट मीन्स कि मार्जिनल हमेशा लेस देन एवरेज होगा जब एवरेज डिक्रीज हो रहा होगा. अगर यहाँ पे एवरेज कोई ऐसे एवरेज हमने लिया हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल जिसमें एवरेज अपने मिनिमम पे होता, तो एवरेज अगर मिनिमम पे होता तब भी मार्जिनल और एवरेज एक दूसरे के इक्वल होते हैं. एवरेज मैक्सिमम पर है तब भी मार्जिनल और एवरेज एक दूसरे के इक्वल है. ये एक ऐसा रिलेशन है जो हमें, एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो हमेशा वैलिड होता है एवरेज और मार्जिनल में. शेड्यूल्स के अब्दुल अहद, आप जब शेड्यूल के थ्रू बनाएंगे तब भी कुछ इसी तरह का आपका बनेगा. देखें आपका जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो भी का कर्व भी इन्वर्टेड यू शेप भी बनेगा और मार्जिनल का भी आपका इन्वर्टेड यू शेप भी बनेगा, लेकिन जो आपने बनाना है वो इन दोनों का रिलेशन को सामने रखते हुए बनाना है. अरे भी एक मैथमेटिकल रिलेशन है. कि आपने कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा कि मैथ्स का कोई आपका सामने फॉर्मूला लिखा हो और आपने बोला यही फॉर्मूला क्यों, कोई और फॉर्मूला क्यों नहीं? वो बिल्कुल वैसी ही बात है कि ये एक आपकी मैथमेटिकल एक रिलेशन है जो हमेशा आपका सेम रहेगा. आप कोई सा भी एवरेज और मार्जिनल का शेड्यूल उठा के देख लो, अभी आप हमारे उसमें ही देख लो, हमारे शेड्यूल में आपको क्या दिख रहा है, जब तक आपका जो एवरेज है वो आपका इंक्रीज हो रहा है तब तक आपको मार्जिनल एवरेज से ज्यादा दिख रहा है. चाहो तो आप देख लो उसका शेड्यूल, शेड्यूल में आपको ये बात दिख रही है. अब ये शेड्यूल में हमने टोटल प्रोडक्टिविटी अज्यूम करी है ना, ये खुद रिलेशन हमारे पास सामने आ रहा है ना कि भाई एवरेज आपका जब तक इंक्रीज हो रहा है मार्जिनल आपका क्या है, ग्रेटर देन एवरेज है. ये 3 था तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 6 है. जब एवरेज आपका मैक्सिमम पे पहुंच गया, ये मैक्सिमम है तो मार्जिनल इक्वल हो गया एवरेज के, और जब एवरेज डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो मार्जिनल हर पॉइंट पे एवरेज से क्या है, कम है. ये रिलेशन यहाँ पे भी निकल के आ रहा है ना. अच्छा अब एक ये क्वेश्चन मेरे पास आया है कि इनको ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही, कि दो चीजों की लॉजिक तो आ गई है समझ में कि जब आपका एवरेज इंक्रीज एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल ग्रेटर देन एवरेज है, जब एवरेज डिक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल लेस देन एवरेज है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों इक्वल क्यों हो रहे हैं. अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस की बात मैं पूछ रही हूँ, सिंपल. ये आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी का कर्व है, ठीक है? ठीक है, अब आपको पता है कि जहां तक एवरेज इंक्रीज हो रहा है वहां तक मार्जिनल को एवरेज से ज्यादा होना है, ठीक है, और जहां एवरेज प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है वहां मार्जिनल को एवरेज से कम होना है. इस तरह का कर्व बना सकते हो? ये कोई कर्व तो नहीं हुआ ना. इट मींस किसी ना किसी पॉइंट पे तो उसको इंटरसेक्ट करते हुए नीचे जाना है ना, तो किस पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए वो जाएगा? भाई जब तक एवरेज इंक्रीज हो रहा है तब तक मार्जिनल को ज्यादा रहना है एवरेज से, और जब तक एवरेज डिक्रीज हो रहा है मार्जिनल को लेस देन रहना है एवरेज से. तो इट मींस कि ये मैक्सिमम से ही तो इंटरसेक्ट करते हुए जा सकता है ना नीचे. चलो आ गया समझ में, सही है. अब मैं फाइनली एक ग्राफ बना रही हूँ आप लोगों को, इन दोनों को कंबाइन करके, और फिर हम आगे चल रहे हैं फर्दर, ठीक है ना. जहां इंटरसेक्शन हो रही है वहां एवरेज अपने मैक्सिमम पर है. जी नुमान बोलिए. इन चीजों के रिलेशन अपने जहन में रखो, चाहे इससे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन ना आए, लेकिन तुम लोगों को लॉजिक क्लियर होनी चाहिए अदरवाइज, ताकि तुम लोग कहीं भी जो है वो फंसो नहीं. नुमान बोलो, अनम्यूट कर दूं अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो. यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं. अच्छा आप बुक वाली बात कर रहे हो ना, नोट्स पे, नोट्स में डिफरेंट है. नोट्स के ग्राफ को छोड़ दो, नोट्स वाले ग्राफ को छोड़ दो. अक्सर जगहों पे ऐसे बना हुआ है, लेकिन आपने जो मैं बनाना सिखा बता रही हूँ ना, आपने उसको बस फॉलो करना है. और मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग भी अलग से दे दूंगी, तो फिर आप लोगों ने उसकी उस परेशान होने की जरूरत ही नहीं है कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है और नोट्स में क्या बना हुआ है. अच्छा तो यहाँ पे आपने प्रोडक्टिविटी दे दी, यहाँ पे आपने लेबर कर दिया. अच्छा अब मैं फाइनली तीनों ग्राफ्स को कंबाइन कर रही हूँ उसकी फिगर्स के बगैर, ठीक है ना.
अनस बिल्कुल, आप ऐसा करो कि मुझे मुझे जो है वो डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगी कि हम किस तरह लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम कर्व बना रहे हैं टोटल प्रोडक्टिविटी का। अब हम सब समझ चुके हैं, हमें पता है कि पहले टोटल प्रोडक्टिविटी का कर्व जो है उसका शेप इस तरह होगा, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, मैक्सिमम पे पहुंचा और डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। हमें पता है कि मार्जिनल एवरेज प्रोडक्टिविटी जो आपकी जो बनेगी वो किस तरह बनेगी, लेकिन पहले मैं मार्जिनल बना रही हूँ। मार्जिनल भी अगेन यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपका, और जब तक ये यहाँ तक आपको दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है, यहाँ तक इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है, ये मैक्सिमम है और डिक्रीज हो रहा है, तो हमें मार्जिनल और टोटल का रिलेशन पता है हमें मार्जिनल और टोटल का रिलेशन, उसके मुताबिक हम मार्जिनल बना लेंगे। तो जब तक ये इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है, हमने मार्जिनल को इंक्रीज करके दिखाना है। जब ये इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है, हमने मार्जिनल को डिक्रीज करके दिखाना है, और इस पॉइंट पर इसने जीरो हो जाना है। फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है, ये हमारा बन गया मार्जिनल, ठीक है। अच्छा, एवरेज भी उसी के मुताबिक बनेगा, एवरेज इसके नीचे से बनेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज जो है वो इंक्रीज तो हो रहा होगा लेकिन लेस देन होगा, तो एवरेज आपका, और एवरेज आपका कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये इस तरह का हमारे पास जो है वो तीनों कर्व्स आ गए। अजान के बाद कंटिन्यू करती हूँ। पता नहीं तुम लोग क्यों इस चीज में होए जा रहे हो कंफ्यूज फाई, कि ये टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है ना, तो जब तक इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होगी, जब ये इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट हो जाएगी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, तो इसका मैक्सिमम यहाँ नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से छोड़ के डिक्रीजिंग तो नहीं बना सकती ना, यानी इट मीन्स कि यहाँ से टर्न आएगा ना इसके अंदर, तभी तो इन डिक्रीजिंग पे जाएगा। मैक्सिमम से पहले ये डिक्रीज, मैक्सिमम के बाद ही डिक्रीजिंग पे जाएगा ना ये यूं करके यूं तो नहीं बन सकता, यानी इट मींस यहाँ से ये मैक्सिमम पे होगा, तो मैक्सिमम कहाँ से हो रहा है, जो टर्न आ रहा है ना इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट के बाद, जो इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट का टर्न है वो आपका मैक्सिमम है मार्जिनल का। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बना रहे होते हैं, ठीक है ना। अब ये पॉइंट डिफरेंट आ गया आपका। जी जी हसनैन, यही बनाए लेकिन काफी बातें बता दी हैं, तो आपने ना कोशिश कीजिएगा कि उसको देख ले रिकॉर्डिंग उस। यहाँ पे कुछ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है आपका, वो आप बना रहे होते हो जहाँ मार्जिनल एवरेज जो है, और इसकी रीजन क्या है, ये क्यों हम बनाते हैं, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ये आपका स्टेज वन कहलाता है। स्टेज वन कहाँ से लेकर कहाँ तक है,
जब तक आपका जहां आपका एवरेज और मार्जिनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये आपका कहलाता है स्टेज वन। ठीक है, जहां आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अपने जीरो पे पहुंचती है ये आपका स्टेज टू है। ये स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, इसके रीजन अभी हम देखेंगे। और जहां से आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होना स्टार्ट हो गई और टोटल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई ये आपकी कहलाती है स्टेज थ्री। ये आपके कहलाते हैं स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्यों बनाते हैं हम ये थ्री स्टेजेस? यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो वो किस स्टेज में प्रोडक्शन करेगा? क्या वो स्टेज वन में प्रोडक्शन करेगा, स्टेज टू में या स्टेज थ्री में? तो हम ये डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आता है बकायदा पेपर में आ चुका है कि इन विच स्टेज अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑपरेट। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हर स्टेज की। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हम ये कहते हैं, छोड़ दो मैं बुक अभी नोट्स में क्या बना हुआ है वो मैं डिस्कस कर लूंगी कि उसमें क्या उसमें चेंजिंग क्यों है। आपने फिलहाल अभी यहाँ पे फोकस रखो। फॉर एग्जाम्पल के हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर लेते हैं जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अपने मैक्सिमम पर है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में शायद ये बात आई हो कि जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अपने मैक्सिमम पर है वहाँ प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस कर लेना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंट कलर होना चाहिए, येलो सही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर प्रोड्यूसर यहाँ प्रोड्यूस करे, कहाँ प्रोड्यूस करे, मतलब वो इतने लेबर जो है वो हायर करे और इतनी प्रोडक्शन करे, और यहाँ पे क्यों स्टेज वन के अंदर यहाँ पे जहाँ मार्जिनल जो है वो मैक्सिमम पर है वहाँ अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते तो क्या ये रैशनल है? क्या उसका ये डिसीजन रैशनल है? क्या आपको लगता है कि हाँ उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि मार्जिनल मैक्सिमम पर है? अच्छा, जो बोल रहे हैं कि नहीं ये रैशनल मतलब डिसीजन नहीं है तो वो उसकी रीजन भी मुझे बता सकते हैं? अब्दुल अहद, यस या नो? मतलब आप कह रहे हैं कि ये रैशनल है यहाँ पे प्रोड्यूस करना इतना? अच्छा, आप चलो डिस्कस करते हैं। अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास डिफरेंट आर्ग्यू आए कि इसके बाद टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है या फिर, अच्छा अब मेरी बात सुनना। ठीक है कि अगर प्रोड्यूसर जो है वो ये फर्स्ट स्टेज में यहाँ प्रोड्यूस करता है जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो अपने मैक्सिमम पर है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो अपने मैक्सिमम पर है लेकिन एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है? क्या एवरेज प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है? तो एवरेज प्रोडक्टिविटी का कंटिन्यूसली इंक्रीज होने का मतलब ये है कि पर यूनिट प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। इट मीन्स कि जैसे ही आप लेबर को रख रहे हो तो लेबर जो फिक्स फैक्टर की यूटिलाइजेशन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फिक्स फैक्टर अच्छे से अच्छा यूटिलाइज हो रहा है। फिक्स फैक्टर जो है, जो आपका लैंड है वो अच्छे से अच्छा यूटिलाइज हो रहा है, तभी तो आपकी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, अगर आपने यहाँ स्टॉप कर दिया जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अपने मैक्सिमम पर है, तो आप ऐसी जगह रुक गए जहां आपका फिक्स फैक्टर अभी अंडर यूटिलाइज हुआ है, अभी वो यूटिलाइज कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि एवरेज प्रोडक्टिविटी का कंटिन्यूसली इंक्रीज होने का मतलब ये कि पर यूनिट प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, अभी आपका फिक्स फैक्टर कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हुआ, अभी वो अच्छे से अच्छा यूटिलाइज हो रहा है। तो आपकी यहाँ पे अगर आप किसी जगह रुक गए तो ये कहलाएगा कि आपने जो है वो अंडर यूटिलाइज किया है अपने फिक्स फैक्टर को। दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। अगर आप फर्स्ट स्टेज के इस पॉइंट पे रुक गए जहां आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अपने मैक्सिमम पर है लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एवरेज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने
मतलब है कि अभी हम फर्दर अपने फिक्स फैक्टर को यूटिलाइज कर सकते हैं, हम हमारा फिक्स फैक्टर अभी कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं हुआ, तभी तो आपका फिक्स एवरेज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप लेबर को रख रहे हैं आपका लेबर जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, अभी फिक्स फैक्टर की कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं हुई है। तो अगर आप इस पॉइंट पे रुक जाते हैं, इट मींस अभी आपका फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज है, ठीक है, अभी आप मजीद लेबर को हायर करके मजीद अपने फिक्स फैक्टर को यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन आप उससे पहले ही रुक गए, तो ये आपका कहलाएगा कि आपने अंडर यूटिलाइजेशन करी है अपने फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। स्टेज वन और टू का सब स्टेजेस बना दे, नहीं इससे आप मजीद कंफ्यूजन होगी फिर और क्लियर नहीं होगा। अच्छा, अगर हम स्टेज थ्री की बात करें, क्योंकि स्टेज वन पे अंडर यूटिलाइजेशन है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर यहाँ नहीं रुकेगा, और आपको टोटल प्रोडक्टिविटी दिख रही है कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, भाई हर एडिशनल लेबर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी तो दे रहा है ना आपको, हर एडिशनल लेबर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी दे रहा है। याद करें कि प्रोडक्शन फंक्शन लिखवाया था, जिसमें मैंने आपको ये प्रोडक्शन फंक्शन लिखवाया था, क्यू इज अ फंक्शन ऑफ KNL यानी कैपिटल और लेबर, ठीक है, एक सिंपलीफाइड वर्जन लिखवाया था, और मैंने ये बात करी थी, मैंने एक छोटी सी एक लाइन भी लिखवाई थी कि ये वो लाइन भी जरा देखें, वो लाइन क्या लिखवाई थी मैंने कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी ऑब्टेन विद द गिवन नंबर ऑफ इनपुट। तो हमने उस वक्त ये बात करी थी कि अगर प्रोड्यूसर अपने इनपुट को यूज करते हुए अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम से पहले ही रुक जाए, तो वो रैशनल नहीं कहलाएगा। कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं करता कि उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है वो उससे पहले रुक जाए, वो रैशनल नहीं कहलाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एवरेज प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है और टोटल प्रोडक्टिविटी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ रुक जाना स्टेज वन में आपका कहलाएगा कि आपने अपने फिक्स फैक्टर को जो है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं किया, अंडर यूटिलाइजेशन करने। अच्छा, अब मैं स्टेज थ्री की पहले बात करती हूँ, क्या स्टेज थ्री पर कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल ठीक अब्दुल हक, कोई भी जो है स्टेज थ्री पे प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों प्रोड्यूस नहीं करेगा? तो एक तो आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में जा रही है, टोटल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि भाई आपकी मार्जिनल भी नेगेटिव में जा रही है और टोटल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स के एडिशनल लेबर रखना जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को देने के बजाय आपको जो है वो उल्टा आपकी कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ इजाफा कर रहा है और प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा है। तो कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर इस स्टेज पर प्रोड्यूस नहीं करेगा। इस स्टेज पर प्रोड्यूस करने का मतलब है कि आप ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं अपने फैक्टर को, ओवर यूटिलाइजेशन आप कर रहे हैं। तो स्टेज थ्री में प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि यू आर ओवर यूटिलाइजिंग योर फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे पास कौन सी स्टेज बच गई है? बिल्कुल आदिल, हमारे पास सिर्फ स्टेज टू बच गई है। तो हमेशा आपका जो रैशनल प्रोड्यूसर है वो हमेशा स्टेज टू पे ऑपरेट करेगा, हमेशा वो चूज करेगा कि वो स्टेज टू पे ऑपरेट करे जहाँ टोटल प्रोडक्टिविटी भी आपकी मैक्सिमम है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को ये मत देखें कि वो डिक्रीज हो रही है, ये देखें कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एडिशनल लेबर आपको प्रोडक्टिविटी दे रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एडिशनल लेबर आपको कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा, हाँ उसका रेट जो है वो कम हो गया लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी में एडिशन हो रहा है। टोटल प्रोडक्टिविटी का ब्रेक इवन पॉइंट भी कह सकते हैं, नहीं उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अच्छा अच्छा एक मिनट जरा, यहाँ बहुत डिस्टॉर्शन है।
अच्छा यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ, फिर हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो आया है वो ये आया है कि स्टेज टू में तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इस स्टेज टू में क्यों हम ऑपरेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो देखने की ज़रूरत ये है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का डिक्रीज होने का क्या मतलब है। सबसे पहले तो क्या देखने की ज़रूरत है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का डिक्रीज होने का क्या मतलब है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के डिक्रीज होने का मतलब ये है कि हर एडिशनल लेबर पहले के मुकाबले में कम प्रोडक्टिविटी दे रहा है। जो आप हर एडिशनल लेबर जो एम्प्लॉय कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, वो पहले लेबर के मुकाबले में, प्रीवियस लेबर के मुकाबले में प्रोडक्टिविटी कम दे रहा है। लेकिन क्या वो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं दे रहा? प्रोडक्टिविटी तो दे रहा है ना कुछ ना कुछ, जैसे हमने शेड्यूल में देखा था। जब आप, अगर आप शेड्यूल देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है वो प्रोडक्टिविटी आपकी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। तो क्या हम चौथे लेबर को हायर ना करें क्योंकि वो पहले के मुकाबले में प्रोडक्टिविटी कम दे रहा है? क्या हमें फोर्थ लेबर को इम्प्लॉय नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पहले के मुकाबले में कम प्रोडक्टिविटी दे रहा है? तो ये जो फोर आउटपुट का एडिशन है इसको हम छोड़ दें, कुछ ना कुछ एडिशन तो हो रहा है ना। हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी 12 से 16 हो गई, तो अगर हम यही रुक जाएं, इट मींस कि मैं अपने लेबर इनपुट्स को यूज करते हुए अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकती थी टोटल आउटपुट को, लेकिन मैं यही रुक गई, तो मैं रैशनल नहीं कहलाऊंगी बिल्कुल भी। मैं रैशनल कब कहलाऊंगी कि जब मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और मेरे इनपुट मजीद यूटिलाइज हो सकते हैं, लेकिन मैं उसको यूटिलाइज ना करूँ और उससे पहले ही रुक जाऊँ। तो कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर ऐसा नहीं करता। जब तक आपके आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तब तक वो आउटपुट को इंक्रीज करता रहेगा। दूसरी बात जो यहाँ पे आई कि मिस सेकंड स्टेज में तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी जीरो हो रही है उसका क्या मतलब है। जब एक ऐसा पॉइंट आ जाए जब आपका लेबर, आप मजीद अगर आप लेबर रखेंगे तो आपको वो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा, इस पॉइंट पे आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो गई। पहली बात तो क्वेश्चन ये नहीं होता कि वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह हो कि रैशनल प्रोड्यूसर कौन से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, तो ये वो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जहां आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है। कि इसके बाद आपको मजीद कुछ भी आउटपुट आपका इंक्रीज नहीं होगा, आपका आउटपुट डिक्रीज ही होगा। तो हमेशा हम प्रोड्यूसर क्या चाहता है, अपने आउटपुट को मैक्सिमम करना, कि मैं अपने इनपुट को इतना यूटिलाइज करूं कि मेरा मैक्सिमम आउटपुट जो है वो मैं कितना प्रोड्यूस कर सकता हूं। यही हमने इस इक्वेशन में भी देखा था। इसी वजह से ना स्टेज वन में प्रोड्यूसर रैशनल है क्योंकि अभी आपका आउटपुट मजीद इंक्रीज हो सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी मजीद इंक्रीज हो सकती है, लेकिन आप उससे पहले रुक गए। और ना स्टेज थ्री में प्रोड्यूस करना रैशनल है क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह डिक्रीज हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ स्टेज टू आपका वो स्टेज है जहाँ रैशनल है, रैशनल प्रोड्यूसर जो है वो इसी स्टेज में जो है वो चूज करेगा ऑपरेट करना। जी साथ बिल्कुल, मजीद किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छा ताश्विन, आप कह रहे हैं स्टेज वन अच्छी तरह समझ में नहीं आया। स्टेज वन में क्या समझ में नहीं आया आपको, मतलब कोई स्पेसिफिक पॉइंट बताओ कि क्या बात समझ में नहीं आई स्टेज वन में। क्या हम आगे चले, क्या ये तीनों स्टेजेस आपको समझ में आ गए कि किस स्टेज में ऑपरेट करेगा प्रोड्यूसर? अच्छा, अब मैं इसके पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो हैं वो जो हम डिस्कस करेंगे। हाँ ये ड्रॉ कर लो, मैं इसका वैसे भी आप लोगों को इसका बकायदा एक डॉक्यूमेंट दूंगी, तो वो अभी आप पीडीएफ जो है मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो अभी ये ड्रॉ नहीं भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को, मैंने आप लोगों के लिए कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस के आंसर एक साइड पे जो है वो कर दिए थे। अच्छा, अब मैं आप लोगों की एक बात जो है वो, जो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मिस वो जो फर्स्ट स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है जो मेरी नोट्स में जो मैंने फर्स्ट स्टेज रखा है वो उसमें थोड़ा डिफरेंस है और मैंने जो करवाया इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अब मसला ये आता है कि ये टॉपिक, एक सेकेंड मैं पहले स्क्रीन शेयर कर दूँ आप लोगों से। ठीक है, नेगेटिव मतलब प्रोडक्शन हो रही है, नेगेटिव में नहीं स्टेज,
सेकेंड स्टेज में प्रोडक्शन आपकी हो रही है, टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम लोगों के लिए एक काम करते हैं, मैं 10 मिनट्स का ब्रेक दे देती हूँ, ठीक है? तो अभी 46 हो रहे हैं ना, तो 55 पे कंटिन्यू कर देते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ने नमाज़ पढ़नी है, कुछ ने जो है वो नाश्ता नहीं किया हुआ, ठीक है? तो आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें, बस आप यहाँ पर नहीं रुकें, जल्दी से जो काम करना है करें, 10 मिनट्स ब्रेक है। हाँ ठीक है, जाए तो आप लोग, कश्यप वेरी गुड, आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन करा है? हाँ उसे छोड़ दें वलीद, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये भेज रही हूँ ना PDF। जी नुमान बोलिए। अच्छा क्या समझ में नहीं आ रही, एवरेज प्रोडक्टिविटी सेकेंड स्टेज में क्या समझ में नहीं आ रही? जी सुफियान, देखो हर स्टेज को जो समझाने का तरीका है वो आप कह लो कि थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट स्टेज को हम इस तरह समझाते हैं कि एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, एवरेज प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे रुकना हमारे लिए रैशनल नहीं है। हाँ ब्रेक है अभी, मैंने वैसे ब्रेक दिया हुआ, जिन स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन पूछने हैं, जो नहीं जा रहे ब्रेक पे, उनको मैं समझा रही हूँ, ठीक है? वलीद पूरी एक्सप्लेनेशन मैं इस PDF के थ्रू दे रही हूँ ना, तो आप इसी के एक्सप्लेनेशन को फॉलो करें, वो मैं बताऊंगी इसमें क्यों डिफरेंस है। तो फर्स्ट स्टेज में आपने बस इतना याद रखना है कि टोटल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, एवरेज प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ रुकना जो है वो अंडर यूटिलाइजेशन कहलाएगा। थर्ड स्टेज में तो क्वेश्चन ही नहीं आता ना दूर दूर तक कि थर्ड स्टेज में कोई ऑपरेट करेगा, तो बचा आपका सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेज। माना कि इसमें एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है आउटपुट में, यानी आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है थ्रू आउट सेकेंड स्टेज, आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से अगर हम फर्स्ट स्टेज में रुकना जब हमारे लिए बेहतर नहीं है, ना ही थर्ड स्टेज में रुकना बेहतर है, तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेज ही बचा जहाँ पे आपका ऑपरेट करना जो है वो रैशनल कहलाएगा। क्योंकि ऑल्दो कि एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो रही है, लेकिन टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व आपका जो है वो आपको बता रहे हैं कि टोटल प्रोडक्टिविटी आपकी कंटिन्यूसली जो है उसमें एडिशन हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। जी अबीर बिल्कुल, सेकेंड स्टेज बेस्ट है। डिमांड इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर अपने एसेट को फुल कैपेसिटी पे यूज करता है, उस टाइम थर्ड स्टेज में एक्शन होगा। अशर इसका जवाब देना इस तरह पॉसिबल नहीं है कि वो थर्ड स्टेज में ऑपरेट कर रहा होगा। थर्ड स्टेज में कभी भी कोई भी प्रोड्यूसर ऑपरेट नहीं करता, कभी भी नहीं। और जाहिर सी बात है कोई ओवर यूटिलाइजेशन कर रहा है तो उस वक्त वो ये नहीं सोच रहा कि मैं थर्ड स्टेज में हूँ या सेकेंड स्टेज में हूँ, लेकिन थ्योरी के लिहाज से ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि हम थर्ड स्टेज में कभी भी कोई भी प्रोड्यूसर ऑपरेट करे, क्योंकि उस पॉइंट पे आप ओवर यूटिलाइजेशन जब कर रहे होते हैं तो आपकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह इतनी इंक्रीज हो जाती है कि आपको प्रॉफिट होने के बजाय आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। नहीं नहीं वो बिल्कुल गलत नहीं थी पारस, बिल्कुल गलत नहीं थी, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि अगर आपके पास शेड्यूल के बगैर आपको ग्राफ बनाना हो तो वो आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास शेड्यूल गिवन नहीं है और वो आपसे बोले कि आपको ग्राफ बनाना है तो आपको रिलेशन खुद से पता होना चाहिए ना, आपको रिलेशन खुद से पता होना चाहिए। जी हसनैन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का डिक्रीज का मतलब फिर से बताएं। अच्छा मैं बताती हूँ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी थी 2464, तो यहाँ पर लिख नहीं रहा, एक सेकेंड, 2462। अच्छा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 6 के बाद से जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, लेकिन मुझे टोटल प्रोडक्टिविटी बताओ, जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 2 है तो टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? हसनैन
जब मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्टिविटी भी 2 होगी, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड लेबर को रख के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपको 4 मिली है, तो टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होगी इन दोनों लेबर्स की मिलाकर? सिक्स, आप सिंपली एडिशन किए जा रहे हैं ना, 6 + 6 = 12। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन क्या टोटल, क्या एडिशनल लेबर कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा? एडिशनल लेबर, ये जो आपने चौथा लेबर रखा, फर्स्ट थर्ड दे रहा है ना, फोर्थ लेबर भी आपको 4 आउटपुट में एडिशन की वजह बन रहा है, आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी 12 से 16 हो गई है। तो अगर आप थर्ड पे ही रुक जाएंगे, जहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी मैक्सिमम पर है, इट मींस कि आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है आगे, लेकिन आप पहले ही रुक गए। तो एडिशन तो हो रहा है, हर न्यू लेबर आपको कुछ ना कुछ आउटपुट तो दे रहा है, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है। रेट उसका कम हो गया है, लेकिन आउटपुट तो वो अभी भी दे रहा है। हम ना एवरेज प्रोडक्टिविटी का क्या बताऊं, बताती हूँ हसनैन एक सेकंड। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है स्टेज 2 में, जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी 0 है, वहाँ टोटल प्रोडक्टिविटी अपने मैक्सिमम पर है। तो हम उस पॉइंट की यहाँ पे कहीं बात नहीं कर रहे कि किस पॉइंट पे वो प्रोड्यूस करेगा। अगर हम इस पे बात करें तो वो उस पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा जहाँ टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है। कि मजीद आपको किसी भी लेबर को हायर करना उसके आउटपुट में एडिशन की वजह नहीं बनेगा, बल्कि उसके आउटपुट को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो लेकिन हमने उस पॉइंट की हम बात नहीं कर रहे, हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि वो किस स्टेज में ऑपरेट करेगा। तो हम सिंपली आंसर करते हैं कि वो सेकंड स्टेज में ऑपरेट करेगा। हम ना, अब मैंने ये बात अभी ऊपर समझाई भी है कि स्टेज 2 में एवरेज प्रोडक्टिविटी भी ऑल्दो आपकी डिक्रीज हो रही है और मार्जिनल भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन टोटल आपकी कंटिन्यूसली अभी इंक्रीज हो रही है। इससे पहले आप नहीं रुक सकते, इससे पहले आप नहीं रुक सकते, क्योंकि एवरेज आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। तो आप स्टेज 2 में कहीं ऑपरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी अभी कंटिन्यू है, इंक्रीज हो रही है। इससे पहले रुक जाना अंडर यूटिलाइजेशन है, इसके बाद जाना ओवर यूटिलाइजेशन है। तो सिर्फ स्टेज 2 ही आपका बच रहा है, उसको आप इस चीज को देखकर कंफ्यूज ना हो कि स्टेज 2 में एवरेज प्रोडक्टिविटी भी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन टोटल में एडिशन हो रहा है अभी तक। जब तक आपके टोटल आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं और आप इंक्रीज ना करें तो वो आपको रेशनल नहीं कहलाएगा। फर्स्ट स्टेज को समझाने के लिए हम एवरेज और टोटल दोनों को लेकर चलेंगे, सेकंड स्टेज को समझाने के लिए हम टोटल और मार्जिनल के थ्रू समझना उसको ज़्यादा बेहतर है। और सेकंड स्टेज को तो वैसे ही समझाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, इन सेकंड स्टेज में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व है। तो हर स्टेज को समझाने का एक तरीका है। चलो हम 1-2 मिनट में आप कंटिन्यू करते हैं।
कुमार ये कोई बुक नहीं है, मैंने पास्ट पेपर क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग एक जगह आप लोगों के लिए कर ली है, ताकि आप लोग जो बाद में कंफ्यूज हो रहे होते हैं ना किस क्वेश्चन का हमें क्या आंसर करना है, बताने के बावजूद भूल जाते हैं, तो वो अलग से मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को पास एक पीडीएफ रहे। जी स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये हमारी एंड डिस्कशन हो गई है कि जो कुछ स्टूडेंट्स फाइनली लास्ट में इस बात पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सेकेंड स्टेज में मार्जिनल एवरेज डिक्रीज हो रहा है बट स्टिल पॉजिटिव है। स्टिल पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि टोटल में एडिशन हो रहा है, इस वजह से सेकेंड स्टेज ही सिर्फ और सिर्फ रैशनल है। फर्स्ट स्टेज में रुकने का मतलब कि आपने कंप्लीट यूटिलाइज नहीं किया अपने फैक्टर को, और थर्ड स्टेज का मतलब कि आप ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो सिर्फ सेकेंड स्टेज में ही ऑपरेट करेगा प्रोड्यूसर। अच्छा, अब ये पास्ट पेपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक साइड पे इसका पीडीएफ चैप्टर 4 का भी मैंने इसी वजह से सेंड कर दिया था कि क्लास में इतनी दफ़ा समझाने के बावजूद अलग से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मिस इसका आपने क्या बताया था, ये इसका तो आपने बताया ही नहीं था, तो इस वजह से अब मैंने जो है वो पीडीएफ एक साथ एक साइड पर आप लोगों को कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। हाँ, डिफरेंस मैंने ये बताया था कि देखो मेरी बुक में जो फर्स्ट स्टेज है ना वो यहाँ पर है जहाँ मार्जिनल अपने जो है वो मैक्सिमम पर है। बहुत सारी बुक्स में इनका डिफरेंस है, कुछ बुक्स में आपको जो स्टेज वन है वो आपको वो फर्स्ट स्टेज वहाँ ख़त्म होता हुआ दिखेगा जहाँ मार्जिनल अपने मैक्सिमम पर है, और कुछ बुक्स में आपको इस तरह दिखेगा। तो क्योंकि आईकैप का जो स्टडी टेक्स्ट है और आईकैप के जो सजेस्टेड सॉल्यूशन है उसमें फर्स्ट स्टेज यहाँ रुक रहा है जब मार्जिनल और एवरेज जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से इट्स बेटर टू फॉलो दिस। ठीक है, तो हम जो है वो कोशिश करते हैं कि इसी को फॉलो करें जो सजेस्टेड सॉल्यूशन और आईकैप की बुक में जो है स्टडी टेक्स्ट में जो जिस तरह की डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी देखो इसका ग्राफ जो है वो कम्प्लीटली देखा जाए तो इतना ठीक नहीं है, इसके टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व के ग्राफ को थोड़ा सा यूं बनना चाहिए। ठीक है, तो जब बनाओ तो कोशिश करो थोड़ा सा इसको ऐसे बनाओ, ये ज़्यादा बेहतर है थ्योरी के लिहाज से जो कॉन्सेप्ट है आपका। अच्छा, चैप्टर 2 और 3 का भी मतलब सेंड करना इम्पॉर्टेंट है, उसके भी पास्ट पेपर क्वेश्चन तुम लोग खुद से नहीं कर सकते, उसमें भी कन्फ्यूजन है कोई ना कोई। चलो इसको थोड़ा सा मैं चैप्टर 4 का भेजा तो और चैप्टर 5 का ये रहा डिस्कस कर रही हूँ। कौन सी लास्ट बात समझ में नहीं आई? ठीक है, आपका क्वेश्चन आया है, नहीं मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। स्प्रिंग 2016 में ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, मतलब बहुत कम ऐसा क्वेश्चन होते हैं जो वो 10 मार्क्स का दे दे आपको। पहले क्या बोल रहा है, अब इसको बिल्कुल रिलैक्स होके सुनो के एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले तो वो आपको बोल रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आप एक्सप्लेन करें, तो ये तो
आपने वो स्टेटमेंट लिख दी नहीं है कि एज द क्वांटिटी ऑफ वन वेरिएबल इनपुट इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीज्ड, ठीक है, जब आपकी अदर इनपुट की क्वांटिटी फिक्स्ड है तो इनिशियली मार्जिन प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, देन मैक्सिमम पे पहुंचेगा, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और फाइनली बिकम्स नेगेटिव, ठीक है, बहुत रिपीट होता है अंशा। अच्छा, फिर आपने उसने क्वेश्चन का आगे क्या बोला कि डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आगे वो उसने खुद मेंशन कर दिया कि शेड्यूल नॉट रिक्वायर्ड, उसे पता है कि स्टूडेंट ने यहाँ पे शेड्यूल बना देना है। अच्छा, अब वो आपसे बोल रहे हैं कि शेड्यूल रिक्वायर्ड नहीं है, आपने डायग्राम की मदद से डिफरेंट स्टेजेस जो हैं उनको डिस्कस करना है। अगेन यहाँ पे आपने जो है वो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप डायग्राम नहीं बना सकते, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप डायग्राम नहीं बना सकते, हो सकता है कि आप डायग्राम में मिस्टेक कर दें। तो अगेन जो मैंने टेक्निक्स आपको डायग्राम बनाने की बताई हैं कि चाहे आपको फिगर्स प्लॉट आपने नहीं करी हुई, फिर भी अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए आ जाए तो वो टेक्निक आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपने टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व बनाना है, और वो आप पता है कि टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व कैसे बनेगा, थोड़ा सा मैं कह रही थी कि इसको इस तरह बना लें तो ज़्यादा बेहतर है इस तरह, क्योंकि इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ तक आपका जो है वो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है, इसके बाद इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है, तो आपके लिए मार्जिनल को बनाना आसान हो जाएगा। नुमान बता दिया मैंने, आपके लिए मार्जिनल को बनाना आसान हो जाएगा कि आप मार्जिनल को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पे आप वैसे ही स्टेज थ्री आपका स्टेज टू एंड हो रहा है तो यहाँ से आप उसको नेगेटिव पे ले जाएंगे, और एवरेज भी आपको पता है कि आपने एवरेज ऐसे बनाना है, ठीक है। तो आपके पास फिगर्स नहीं है, वो है वो एवरेज प्रोडक्टिविटी का मैक्सिमम है, जी बिल्कुल फरवा, ठीक है। तो आपने आपने फिगर्स प्लॉट नहीं करी, लेकिन क्योंकि आपको रिलेशन पता था तो आपने इजीली जो है वो इसको बना लिया, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है जरूर अपने पास खुद से। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने कहाँ दो स्टेजेस दिए हैं, अबीर कहाँ दो स्टेजेस दिए हैं मैंने, मुझे बताओ, वेरिएबल के तीनों स्टेजेस लिखे हुए, कौन सी डायग्राम देख रहे हो, ऊपर स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री लिखा हुआ है, और जब मैं एक बात कह चुकी हूँ कि नोट्स में स्टेज वन में डिफरेंस है जिसकी वजह से उसके एक्सप्लेनेशन में भी डिफरेंस आ जाएगा, और जब मैं ये कह रही हूँ कि क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग बकायदा में सेंड कर रही हूँ तो अब क्या प्रॉब्लम है, पेज नंबर 58, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न का आता है। मैं यहाँ पे अभी डायग्राम की बात कर रही हूँ, डायग्राम में तीनों स्टेजेस मैंने दिखाई हुई है, उसको छोड़ दो, उससे कंफ्यूज ही ना हो ना, छोड़ दो उसको, जब मैं सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे अलग से बता रही हूँ। जी, शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली, ताकि क्योंकि आप फिक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे देखो, आपने ये डायग्राम बनाई और आपको पता था स्टेज वन यहाँ एंड होगा जहाँ मार्जिनल और एवरेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, स्टेज टू वहाँ एंड होगा जहाँ आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, ठीक है। तो आपने ये स्टेजेस बना दी। अब मजीद यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये बेसिकली पॉइंट एम को यहाँ नहीं होना चाहिए था, पॉइंट एम को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये मैंने सजेस्टेड सॉल्यूशन का ही ग्राफ आप लोगों से शेयर किया है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट एल है ये आपको क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है, बिल्कुल। तो एल तक आपका टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व जो है वो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है, ठीक है। अच्छा फरवा, उसने ऊपर लिख दिया है जबकि शेड्यूल नॉट रिक्वायर्ड, इट मींस कि शेड्यूल नहीं बनाना, और शेड्यूल के बगैर कैसे डायग्राम बनानी है, अभी मैंने यही बात तो समझाई है आपको, शेड्यूल के बाहर ग्राफ कैसे बनेगा, आपको नहीं पता टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व पहले इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट होता है, फिर उसके क्या पूरा रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इन स्टेजेस को डिफाइन करना है, उसने क्या बोला है कि डायग्राम की मदद से आपने स्टेजेस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, खुद से कुछ नहीं करना, स्टेजेस खुद आपके पास बनी हुई है, आपको क्लियरली सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। और नहीं भाई, जब शेड्यूल बनाना ही नहीं है तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते क्यों, जब तुम लोगों ने फिगर्स प्लॉट ही नहीं करनी तो शेड्यूल बना के उसको पेंसिल से रिमूव कर देने का क्या मकसद है, अपना टाइम वेस्ट करना है आपने। मैं बताती हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न किसे कहते हैं, रुक जाओ।
अब आपने फर्स्ट स्टेज को एक्सप्लेन करना है कैसे करेंगे, आप अपनी बातें एक तरफ करके पहले समझो। फर्स्ट स्टेज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है, यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हुआ है, एंड्स अप टू पॉइंट एम, ठीक है। अब उसने एम ऊपर लिख दिया, बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था, तो यहाँ पे आपका जो है वो फर्स्ट स्टेज एंड हो रहा है, ठीक है। पहले तो आपने ये बात बताई, एट पॉइंट एम एवरेज प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम एंड इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, ये भी आपको बात दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एवरेज और मार्जिनल इक्वल है। इन दिस स्टेज टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज इनिशियली एट इंक्रीजिंग रेट अप टू पॉइंट एल, ठीक है। ऑल्दो कि उनका ग्राफ ऐसा बना हुआ है कि उसमें ये देखना ही बड़ा मुश्किल है कि कहाँ तक इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है। ये ग्राफ अगर आपका ऐसा होता तो हाँ उसमें क्लियरली आपको दिख रहा होता, लेकिन बहरहाल एल तक आपका टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व जो है वो इंक्रीजिंग रेट से जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बिटवीन एल एंड एम इट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, तो यहाँ से एल के बाद से ये डिमिनिशिंग रेट से जो है वो आपका जो है वो स्टार्ट हो गया है। सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो, अच्छा आपने टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व को एक्सप्लेन करना है, मार्जिनल को एक्सप्लेन करना है, एवरेज को एक्सप्लेन करना है, एक एक करके, और जो आपको दिख रहे स्टेजेस में आपने सिंपली वही एक्सप्लेन कर देना है। मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली आपका इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम पे पहुंचा है पॉइंट एन पे, और उसके बाद ये जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और ये इक्वल हो गए एवरेज प्रोडक्ट के एट पॉइंट आर, आर पॉइंट पे जो है वो मार्जिनल एवरेज इक्वल हो गए हैं। इन दिस स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट एक्सीड और इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, स्टेज हाफ स्टेज तक मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज से ज़्यादा रही है, और फिर एंड में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो बेसिकली आपने कोशिश करनी है कि इसको खुद से भी लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपने कोई नई चीज़ नहीं लिखी, जो ग्राफ में बना हुआ है आपने उसी बात को जो है वो सारा एक्सप्लेन कर देना है, सही है। अच्छा अब एक क्वेश्चन जो आप लोग बोल, जो एक स्टूडेंट ने पूछा है कि वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो है वो कहाँ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो है वो कहाँ अप्लाई हो रहा है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न किसे कहते हैं, जब आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वो क्या होती रहे, कंटिन्यूसली इंक्रीज रहे, जब तक आपकी हर एडिशनल लेबर आपको पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, वहाँ तक आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा है। तो देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है अब्दुल हक, के पॉइंट ओ से लेकर एन तक जो है वो आपका स्टेज वन के अंदर, पॉइंट ओ से एन तक, खाली पॉइंट ओ से एन तक आपका इंक्रीजिंग रिटर्न जो है वो चल रहा है, और एन के बाद से ये डिक्रीजिंग रिटर्न स्टार्ट हो गया। तो स्टेज वन के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न एंड होके डिक्रीजिंग रिटर्न स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद एन के बाद से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, सही है। तो जिसको जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था उसको जो आंसर मिल गया होगा। सेकेंड स्टेज में आपने अगेन जो ग्राफ में बना हुआ है आपने उस बात को एक्सप्लेन करना है कि पॉइंट एम से सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुआ है, टोटल प्रोडक्टिविटी स्टेज इस स्टेज में इंक्रीज हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, और ये मैक्सिमम पर पहुंच गई है एट पॉइंट जी, ठीक है, पॉइंट जी पर जो है ये अपने मैक्सिमम पर है। एवरेज प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम एट पॉइंट आर एंड देयर आफ्टर इट बिगन्स टू डिक्रीज, तो यहाँ से स्टेज टू स्टेज इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी अपने मैक्सिमम पर है, और इसके बाद से ये जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। इन दिस स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, थ्रू आउट स्टेज आप देख रहे हैं कि मार्जिनल लेस देन एवरेज है, और थ्री स्टेज थर्ड इसी तरह आप थर्ड स्टेज सिर्फ यहाँ तक है, इसके बाद क्वेश्चन डिफरेंट, आंसर डिफरेंट है कि ये जी के बाद से जो है वो स्टार्ट हुआ है, टोटल प्रोडक्ट आपकी डिमिनिशिंग है, एवरेज प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन हो रही है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में चली गई है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड स्टेज हो गया, यहाँ तक आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अब आगे वो आपसे पूछ रहा है कि ऑल्सो एक्सप्लेन एट विच स्टेज अ रैशनल प्रोड्यूसर वुड स्टॉप प्रोडक्शन, ठीक है, किस स्टेज में रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट करेगा या किस स्टेज में रैशनल प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा। फर्स्ट स्टेज की लास्ट लाइन नहीं समझ में आई, फर्स्ट स्टेज की लास्ट लाइन ये वाली, जी फरवा, फर्स्ट स्टेज की लास्ट लाइन में ये कह रहा है कि फर्स्ट स्टेज में थ्रू आउट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले क्या है, एवरेज प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा है और उसके बाद इक्वल हो गई है, फर्स्ट स्टेज में यही है ना,
तो मार्जिनल, पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक्सीड और इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, यानी हम खाली ये नहीं लिख सकते थे ना कि फर्स्ट स्टेज में थ्रू आउट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ग्रेटर देन है एवरेज प्रोडक्टिविटी के, क्योंकि एक पॉइंट पे आके वो एक दोनों एक दूसरे की इक्वल भी हो गए. तो हमने इन दोनों बातों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इन दिस स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट एक्सीड और इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट. ठीक है, तो कुछ पॉइंट तक वो एवरेज से ज्यादा है, उसके बाद फिर इक्वल हो गई है. सही है, तो अब इसका आंसर यहाँ से है कि अ रैशनल प्रोड्यूसर विल नॉट लाइक टू ऑपरेट इन स्टेज वन. उसकी रीजन बताएं. ठीक है, बिकॉज फिक्स फैक्टर आर नॉट यूटिलाइज्ड इन फुल कैपेसिटी इन दिस स्टेज एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी इज कंटिन्यूअसली राइजिंग. If he stop, it means he is not taking full advantage of constantly rising productivity. The firm can earn more profit by hiring more variable output and increasing his average productivity. Answer यहाँ end नहीं हुआ. ये क्या problem आई है? अच्छा, इसी तरह फिर आप बताएंगे कि वो third stage में भी operate नहीं करेगा, क्योंकि उस stage में average productivity भी fall हो रही है, total productivity भी decrease हो रही है और marginal productivity negative है. तो वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेज में ही जो है वो ऑपरेट करेगा. ठीक है, तो वही आंसर है जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं. फिर उसके बाद आपके पास, अब मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगी ये, हम इसी के साथ अजम्पशन भी डिस्कस कर लेंगे जो हमने डिस्कस नहीं करी है. डिस्क्राइब द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ऑल्सो स्टेट द अजम्पशन ऑन विच द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज बेस्ड. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने लॉ की स्टेटमेंट लिख दी, उसके बाद आपने अजम्पशन बतानी है. चार अजम्पशन है इस लॉ की. फर्स्ट, शॉर्ट रन. ऑफ कोर्स शॉर्ट रन है, अदरवाइज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये अप्लाई ही जब होगा जब एक फैक्टर फिक्स्ड हो और उस पर आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते रहें, तभी आपका जो है ये पहले इंक्रीजिंग रिटर्न आएगा और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न आएगा, तो आपका शॉर्ट रन लॉ ही होगा. अच्छा, किसी स्टूडेंट ने ये बात सोची कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं इसे, इसका ये नाम क्यों पड़ा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? जी रिमशा, आपको जवाब मिला इस बात का? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसका नाम क्यों है? वेरिएबल प्रोपोर्शन, रेट कंटिन्यूअसली, प्रोपोर्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. तो हमने जो देखा था अपना, एक सेकंड, तो हमने ये जो देखा था कि इसमें अगर आप रेट देखें तो ये रेट कंटिन्यूसली जो है वो आपका चेंज हो रहा है. ठीक है, पहले आपका रेट क्या है? पहले आपका रेट है 1:1, फिर है 1:2, फिर है 1:3, फिर है 1:4. ठीक है, तो ये जो रेट है आपका फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर के, जो जो रेट चल रहे हैं ये कंटिन्यूसली, क्योंकि प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, इसी वजह से आप इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं. ठीक है, अच्छा, तो अजम्पशन फर्स्ट शॉर्ट रन, सेकंड है कांस्टेंट. जी जी, शाबाश, आप लोगों ने सबने बहुत बिल्कुल ठीक सोचा, वेरी गुड. तो कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है हम उसको अज्यूम करें वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि बात यह है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है, या तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से जो कैपिटल, अगर आप कोई, हमने अपने एग्जांपल में तो लैंड को फिक्स रखा है, लेकिन अगर हम फिक्स फैक्टर कैपिटल पे जो है वो लेबर को चेंज कर रहे हो और कैपिटल की टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव्ड हुई, तो हो सकता है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो अप्लाई ना हो पाए, क्योंकि इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज रहे. तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी की अजम्पशन ली गई है, टेक्नोलॉजी को थ्रू आउट दिस ऑपरेशन जो है वो आपका कांस्टेंट रहना चाहिए. कांस्टेंट टेक्नोलॉजी की सिंपल एग्जांपल आदे लिए है कि आप बोल रहे हैं कि कोई भी न्यू इम्प्रूव टेक्निक नहीं आएगी जब तक ये लॉ ऑपरेट होता रहेगा. नहीं, कांस्टेंट कैपिटल कहना सही नहीं है, क्या मशीनरी तो मशीन तो वैसे ही फिक्स फैक्टर आप ले रहे हैं तो वो तो आपकी कॉन्स्टेंट ही है, फिक्स फैक्टर है, तो वो तो उसकी क्वान्टिटी में चेंज आ ही नहीं रहा, वो तो फिक्स फैक्टर है, एक मशीन है तो एक ही मशीन रहेगी थ्रू आउट लॉ. लेकिन आप कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी का मतलब ये कि उस मशीन पे जो आप जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी आपकी सेम रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो हो सकता है वो मशीन जो पहले, मतलब उसकी कैपेसिटी होगी ना कि इतनी कैपेसिटी पे जो है, इतनी कैपेसिटी जो है इसकी है, ठीक है, इसके बाद अगर आप मजीद उसको यूटिलाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी देगी, पर उसका रेट जो है वो कम होता जाएगा.
तो अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई तो हो सकता है उसका रेट डिमिनिशिंग की तरफ ना जाए। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने का मतलब है कि वो अब प्रोडक्टिविटी मजीद ज़्यादा दे रही है पहले से, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। जैसे हम बात करते हैं ना कि ये इस मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी है कि ये 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है पर डे, और अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो हो सकता है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होकर हो जाए 50 यूनिट्स, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई ही नहीं हो पाएगा 15 यूनिट्स पे। तो बात समझ में आ रही है? तो टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गई तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी फिक्स फैक्टर की, जिसकी वजह से ये इस लॉ में जो है वो डिस्टर्बेंस आ जाएगी। ओके, फर्स्ट शॉर्ट रन एक बार वलीद, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या लॉन्ग रन में अप्लाई हो सकता है जब आपके सारे फैक्टर वेरिएबल हैं? जब आपके सारे फैक्टर वेरिएबल होंगे तो फिर तो आपके ये लॉ अप्लाई ही नहीं हो सकता ना। अप्लाई ही जब होगा जब एक फैक्टर फिक्स्ड है और एक फैक्टर वेरिएबल है, और ये सिर्फ शॉर्ट रन में ही होता है, तो इस वजह से ये लॉ हमेशा शॉर्ट ही ऑपरेट करेगा। अच्छा, होमोजीनियस वेरिएबल फैक्टर, हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि जो भी आपका वेरिएबल फैक्टर है, हसनैन नॉर्मली टेक्नोलॉजी इंप्रूव ही होती है, डिक्रीज जब टेक्नोलॉजी में कोई आपकी डिटेरियरेशन आ रही है तो वो कोई अप्लाई नहीं करेगा उसको। अच्छा, तो जो हम लेबर ले रहे हैं, जो भी वेरिएबल फैक्टर ले रहे हैं, उनकी क्वालिटी जो है, उनकी स्किल जो है वो सेम होनी चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। और फोर्थ है पॉसिबिलिटी टू कंबाइन फैक्टर। सो यहाँ जो है ना, मुझे बेसिकली जो अजम्पशन है ना इस लॉ की, जो एक्चुअल अजम्पशन है, वो अजम्पशन ये नहीं है पॉसिबिलिटी टू कंबाइन फैक्टर। ठीक है, अब मैं इस बात को जो है वो कोशिश करती हूँ, क्योंकि कहीं अगर मुझे प्रॉब्लम देखती है तो उसको मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों से भी डिस्कस करूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए वो बात। असल में अगर मैं इसकी असल जो यहाँ पे अजम्पशन है ना, वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी असल अजम्पशन जो है वो इस लॉ की क्या है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि सारे फैक्टर जो वेरिएबल फैक्टर है वो आइडेंटिकल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहला लेबर जो है वो ज़्यादा स्किल्ड हो, दूसरा लेबर उससे कम स्किल्ड हो। ठीक है, सबकी स्किल जो है वो सेम होंगी। अच्छा जी, एक सेकेंड। तो ये जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, इसकी जो एक्चुअल जो अजम्पशन है वो कुछ इस तरह की है कि आपके जो आपका जो रेट है वो फिक्स नहीं होना चाहिए, जो प्रोपोर्शन है वो वेरिएबल होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी आपकी जॉब है जिसमें 1:1 का रेशो है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ थोड़ी अनरियलिस्टिक है बिल्कुल, जैसे आपका एक कंप्यूटर और कंप्यूटर, मतलब आपको एक कंप्यूटर यूजर चाहिए और एक कंप्यूटर, ये 1:1 का रेशो है। तो अगर आप जो है वो लेबर को चेंज इंक्रीज करेंगे, एक लेबर मजीद हायर करेंगे, तो उसके लिए आपको एक और कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये 1:1 का रेशो है। अगर आपका ये रेशो कांस्टेंट रहता है तो फिर आपका ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उबर या करीम की बात करें, तो एक ड्राइवर, ठीक है, और एक वन कार वन ड्राइवर, ठीक है। तो अब इसमें ये नहीं हो सकता कि अगर आप एक लेबर मजीद हायर करना चाहते हैं उस फिक्स फैक्टर पे, उस फिक्स कैपिटल पे, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेशो आपका 1:1 है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो आपको अजम्पशन दिखेगी हर बुक में, वो अजम्पशन बेसिकली यहाँ पे फैक्टर प्रोपोर्शंस आर वेरिएबल, फैक्टर प्रोपोर्शंस आर वेरिएबल। दो ड्राइवर एक कार नहीं चला सकते ना, ठीक है, एक कार को एक ही ड्राइवर की जरूरत है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, उस एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं ना कि प्रोपोर्शन जो है वो वेरिएबल, वेरिएबिलिटी जो है वो पॉसिबल है। यानी एक लैंड पे एक लेबर भी रख सकते हैं, एक लैंड पे टू लेबर भी रख सकते हैं, एक लैंड पे थ्री लेबर भी रख सकते हैं, फोर भी, फाइव भी, सिक्स भी, ये पॉसिबिलिटी है। यानी प्रोपोर्शन में, फैक्टर प्रोपोर्शन में वेरिएबिलिटी जो है वो पॉसिबल है। लेकिन हम किसी ऐसे में बात कर रहे हैं जिसमें 1:1 का ही रेशियो चल रहा है, तो यहाँ प्रोपोर्शन ही चेंज नहीं होगा। अगर आप एक मजीद जो है वो लेबर को हायर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है वो कैपिटल में भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या ऐसे केस में आपका लॉ अप्लाई हो सकता है? क्या इस केस में आपका लॉ अप्लाई हो सकता है अगर फैक्टर प्रोपोर्शन जो है वो वेरिएबल ना हो तो? मुझे
मुझे ये बताओ कि बात समझ में आई किसी को, ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, चलो मैं बताती हूँ। देखो हम बात क्या कर रहे हैं, हाँ किसी को क्लियर है किसी को क्लियर नहीं है, जिसको नहीं क्लियर है वो बात सुने। हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये फिक्स फैक्टर है, और इस फिक्स फैक्टर में, इस फिक्स फैक्टर का होना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा यही बात एक्सप्लेन कर रहा है कि इस फिक्स फैक्टर में मैं वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करती रहूँ, तो एक वक्त पे आके क्या होगा, इसकी कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक ऐसे जॉब की या एक ऐसे उसकी बात करूं जिसमें फैक्टर फिक्स्ड है, यहाँ पे प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स नहीं है, आप एक ही आपका फिक्स फैक्टर है, उस पर आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज किए जा रहे हैं, तो प्रोपोर्शन चेंज हुए जा रहे हैं ना, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, ये पॉसिबल है यहाँ पे। लेकिन अगर हम कोई ऐसा केस लें जिसमें अगर एक फैक्टर है, अगर आप यहाँ पे लें कैपिटल है, एक कैपिटल के साथ एक लेबर की जरूरत है, और ये प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा, ये वेरिएबल ये वेरी नहीं कर सकता, मतलब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि एक कैपिटल पे हम 2 लेबर्स को यूज नहीं कर सकते, एक कार में हम 2 ड्राइवर्स हायर नहीं कर सकते, एक कार के लिए एक ही ड्राइवर चाहिए, तो अगर आपका ये एक कैप अगर 2 लेबर आप हायर करोगे तो आपको 2 कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो जब आप साथ साथ कैपिटल भी चेंज किए जा रहे हो तो क्या आपका मार्जिन प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी कहीं भी? क्या ऐसा कोई आएगा जिस पे ये आपका फिक्स फैक्टर एग्जॉस्ट हो जाए, इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाए? भाई वो तो यूज ही नहीं हो रहा ना, वो तो हर न्यू लेबर के लिए आप हर न्यू कैपिटल रख रहे हो, तो यहाँ पे तो लॉ अप्लाई ही नहीं हो सकता। तो बताना मैं ये चाह रही थी कि एक्चुअल में जो इसकी अजम्पशन है ना, ट्रू अजम्पशन जो आपको हर जगह दिखेगी, वो ये अजम्पशन है कि फैक्टर प्रोपोर्शंस आर वेरिएबल। लेकिन इन्होंने जो अपने ICAP ने अपने स्टडी टेक्स्ट में जो अजम्पशन जो है वो ऐड करी है, और ये अजम्पशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक अजीब अजम्पशन है, और वो ये कि पॉसिबिलिटी टू कंबाइन फैक्टर्स, ठीक है, कि जो आपके फैक्टर्स हैं उनको कंबाइन करना पॉसिबल हो। हसनैन बहुत इलॉजिकल बात आपने करी है, मैं आपकी बात पे आती हूँ। फैक्टर्स को कंबाइन करना पॉसिबल हो, इट मींस यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल इन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी एबल टू कंबाइन टू मेक अ प्रोडक्ट, ठीक है। मुझे बताओ कोई भी ऐसी चीज की प्रोडक्शन है, कम से कम मुझे तो नहीं याद आता, अगर तुम लोगों को याद आता तो अच्छा है, एग्जाम्पल हम ढूंढ लेंगे, कोई भी ऐसी चीज की प्रोडक्शन है जो खाली लेबर कर रहे हो और उसके लिए ना ही कैपिटल की जरूरत ना ही लैंड की जरूरत हो, यानी सिर्फ और सिर्फ लेबर के थ्रू प्रोडक्शन हो रही हो या सर्विस प्रोवाइड की जा रही हो? मुझे तो ऐसा याद नहीं आता। अच्छा फूड पांडा की एग्जांपल जो दे रहे हो, तो वो जो जिस बाइक वाइक पे आ रहा है, जिस पे आ रहा है, वो भी कुछ कैपिटल तो यूज कर रहा है ना, जिसके थ्रू वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बाइक भी उसका कैपिटल ही है, तो ये तो मतलब यहाँ पे रॉक ब्रेकिंग में भी उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी है वो भी कैपिटल के ही उसमें यूज हो रही है, ठीक है। तो बात मैं सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ कि उन्होंने ये बात करी बिल्कुल ठीक है कि वेरिएबल और फिक्स फैक्ट, कोई ऐसी प्रोडक्शन होनी चाहिए जिसमें वेरिएबल और फिक्स फैक्टर को कंबाइन करना इंपॉर्टेंट हो, तभी आपका ये लॉ चलेगा कि एक वेरिएबल फैक्टर और एक फिक्स फैक्टर हो। लेकिन बात ये है कि एक्चुअल में हमें कोई ऐसी एग्जाम्पल मिलती ही नहीं है जिसमें जो है मतलब कि सिर्फ एक ही फैक्टर की ज़रूरत हो, सारी ही प्रोडक्शन में आपको कंबाइनली जो है वो या तो कैपिटल और लेबर चाहिए होंगे या कैपिटल लैंड और लेबर चाहिए होगा, मतलब 3-4 फैक्टर्स को मिलकर ही प्रोडक्शन हो रही होती है आपकी, ठीक है। तो ये बात ये कि ये आपके मतलब ये तो हमेशा ही होता है, तो उसको अजम्पशन में शामिल करने की क्या रीज़न है ये इन्हीं को पता होगी। ये तुम लोग जितनी भी एग्जाम्पल दे रहे हो ना उसमें कैपिटल है, वो जिस रेडी पे बेच रहे हैं ना वो उसका कैपिटल है, वो मैन मेड गुड है जिसके थ्रू आप अदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कैपिटल की डेफिनेशन को अपने जहन में रखो, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो जो मतलब इलॉजिकल बात मुझे लगी वो मैंने डिस्कस कर दी आप लोगों से। गुड्स एंड सर्विसेज, सिद्दीक लैंड भी तो मिस इंक्रीज करना होगा आफ्टर अ वाइल जॉब एब्जॉर्प्शन। अब्दुल हादी किस उसमें बात कर रहे हैं आप?
भाविका, अगर इस वक्त मेरे पास ये लैपटॉप नहीं होता तो क्या मैं आपको ये टीचिंग सर्विस दे सकती थी? या अगर मैं घर में पढ़ा रही होती तो उसके लिए मुझे एक रूम रिक्वायर्ड होता है, अगर मैं घर में पढ़ा रही होती तो मुझे एक रूम रिक्वायर्ड होता, तो वो रूम जो है वो मेरे लिए एक एग्जाम्पल होती लैंड की। अगर उस रूम में मैं चाहूँ कि 100 बच्चों को भर लूँ तो पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के वजह कम होगी। तो आप जो भी एग्जाम्पल सोच लें उसमें या तो लैंड आपकी शामिल हो रही होगी या कैपिटल शामिल हो रहा होगा। इट मीन्स कि ये बात बिल्कुल अजम्पशन में उन्होंने शामिल तो कर दिया, पर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट मेकिंग नहीं है जिसमें कंबाइन करना इनको पॉसिबल ना हो, तो हर उसमें ही पॉसिबल है। तो ऐसा जो उसको अजम्पशन में ऐड करना, कि या अजम्पशन में आप उन चीज़ों को ऐड करते हो कि जिसमें आप बोलो कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि ये चीज़ हो सकता है कि ना हो, तो जब ये चीज़ नहीं होगी तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये हर चीज़ में ही आपकी ये पॉसिबिलिटी, ये कंबाइन फैक्टर्स हर उसमें ही आप कर रहे होते हो। ठीक है, तो बहरहाल इसको मजीद ड्रैग नहीं करते, इसको आगे चले जाते हैं। हाँ, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड वेरियस स्टेजेस डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम, ऑल्सो आइडेंटिफाई द स्टेज इन विच रैशनल डिसीजन इज पॉसिबल। क्वेश्चन वन और इस क्वेश्चन में क्या कोई डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है। सर मुझे बताओ कि अगर मैं इसका आंसर नहीं दिखाऊं तो सबसे पहले कहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करोगे? क्वेश्चन को पढ़ो बहुत अच्छे से और मुझे बताओ कि अगर इसको एक्सप्लेन करते खुद से तो कहाँ से स्टार्ट करते? स्टेटमेंट से स्टार्ट करते। वेरी गुड, स्टेटमेंट से क्यों स्टार्ट करते? क्योंकि उसने बोला डिस्कस कॉन्सेप्ट। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो वो बोल रहा है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये कॉन्सेप्ट डायग्राम कौन सा कॉन्सेप्ट बता रही है आपको? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। तो इट मींस कि सबसे पहले आपने वही स्टेटमेंट लिखनी है, फिर उसने आपको ये डायग्राम बना के दिया। आपने स्टेटमेंट लिखी, आपने इसके सारे स्टेजेस को बिल्कुल उसी तरह एक्सप्लेन करा, फिर और आपने लास्ट में बता दिया कि रैशनल जो है प्रोड्यूसर जो है वो किस स्टेज में ऑपरेट करेगा। हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल कि उसने इसमें डायग्राम खुद बना के क्योंकि दी हुई है तो उसने 8 मार्क्स का दे दिया, जाहिर सी बात है। और मैं 100% श्योर हूँ इस बात पे कि जब उसने डायग्राम बनाने के लिए दी होगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो इसमें प्रॉब्लम करी होगी, क्योंकि जब आप फिगर के बगैर डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए जब तक आपको रिलेशन नहीं पता टोटल और मार्जिनल का और मार्जिनल एवरेज का, तो आपके लिए डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिगर के बगैर। ठीक है, फिगर्स के बगैर, नंबरिंग के बगैर। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन देख लो भाई, लास्ट क्वेश्चन है इसका। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे मेरी 2 क्लासेस लग गई हैं, मतलब यकीन नहीं आ रहा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न? लिस्ट 4 बेसिक अजम्पशंस अंडरलाइंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है? अगर आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं तो वो आपका वो ये 2 लॉ निकल के आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है कि जब आप जैसे जैसे वेरिएबल इनपुट को ऐड कर रहे हैं फिक्स इनपुट पे, तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसको आप लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न कहाँ से स्टार्ट होता है? जब से जब आप एडिशन लेवल को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं फिक्स फैक्टर पे, तो आफ्टर सम ऑप्टिमम पॉइंट, जब वो मैक्सिमम के बाद से उसने जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट जो है वो उसने डिमिनिश होना स्टार्ट कर दिया है, वो आपका लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो आपने उसी को बेसिकली जो है वो हाफ पार्ट में डिवाइड करके जो है वो यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, अजम्पशंस अंडरलाइंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब कन्फ्यूज नहीं होना, कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है कि आई कैप ऐसा क्वेश्चन जो है वहाँ से आ जाता है जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको आपने कहीं अलग से पढ़ा अजम्पशंस अंडरलाइन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की अजम्पशन पढ़ी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की अजम्पशन नहीं पढ़ी, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने वही अजम्पशन लिख देनी है। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, शॉर्ट रन में ये लॉ ऑपरेट करेगा, जितने भी वेरिएबल फैक्टर हैं वो आपके होमोजीनियस हैं, और लास्ट चाहे वो आप वही लिख दें पॉसिबिलिटी टू कंबाइन फैक्टर, या ये सजेस्टेड सॉल्यूशन में ये वाला अजम्पशन लिखी हुई थी कि द आउटपुट आउटपुट जो मेजर हो रहा है वो फिजिकल यूनिट्स में हो रहा है, जैसे टन्स, किलोग्राम्स, फिजिकल यूनिट्स में जो है वो आउटपुट को जो है वो हम मेजर कर रहे हैं, किसी इमेजनरी यूनिट में हम मेजर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो इसकी अजम्पशंस लिखे, वही अजम्पशन है जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की थी। जी आदिल, ये मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूंगी, लेकिन मुझे बात अच्छी याद आई कि इसमें मैं एग्जामिनर कमेंट्स पहले ऐड कर दूं, फिर मैं आप लोगों को PDF शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को पढ़ के रियलाइज़ हो जाए कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं।
पेज 136 पे क्या है? 136? कौन से 136 पेज आ गए? स्टडी टेक्स्ट की बात कर रहे हैं? अच्छा सही, ठीक है, उसमें उन्होंने अजम्पशंस लिखी हुई हैं अलग से भी. नवीद यहाँ पे खाली लिस्ट डाउन कर देना, असल में आप खाली अगर ये लिखते हो तो इस तरह लिखना पड़ेगा, जैसे ऊपर हमने हेडिंग डाली थी. कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन अगर उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना हेडिंग्स के थ्रू भी आपको अगर वो बात समझ में आ रही है तो हेडिंग्स भी आप डाल के एंड कर सकते हो लिस्ट डाउन. हाँ हाँ मैं अभी सेंड कर दूंगी इसको, ठीक है. हाँ भाई, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन फाइनली हमारा एंड हो गया. अच्छा जी, तो सेकंड में शेयर कर दूं. मैं खुद एक बात को 10 दफा रिपीट करके तंग आ चुकी हूँ. नहीं मतलब इतना मज़ा नहीं आ रहा कि मैं मज़े नहीं आ रहे कि मैं क्लास भी एंड कर दूं. अभी 10-15 मिनट का जो ब्रेक दिया है उसके बाद तुम लोग समझ सोच सकते हो कि मैं क्लास जल्दी एंड करूंगी. अच्छा जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे किस खुशी में, मैंने अभी जो ब्रेक दिया था उसमें क्यों नहीं पढ़ी, मैंने फालतू में ब्रेक दिया था. दो बजे नमाज शुरू अपनी क्लास मैंने स्टार्ट करी थी और मैंने 1:45 पे कह दिया था कि मैं ब्रेक दे रही हूँ, तो 15 मिनट्स आपको मिले थे. अच्छा बहरहाल, अच्छा शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व. तो शॉर्ट रन तो सबसे पहले हमें पता है कि हम उसकी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं. हाँ तो अभी मुझे तंग नहीं करो बोल बोल के. शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड. ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिलेटिवली इजी टॉपिक है, तुम लोगों को मसला होना नहीं चाहिए. तुम लोग मसला बना लो तो वो एक अलग बात है. तो शॉर्ट रन में अभी बेसिकली शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में हम रिलेशन देखेंगे आउटपुट और कॉस्ट का, कि अगर फर्म जो है वो अपना वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो चेंज करती है, ठीक है, यानी लेबर्स को हायर कर रही है तो उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट आ रही है. ऐसा नहीं हो सकता कि आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा हो. हाँ ये थोड़ा सेपरेट टॉपिक है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स का, कि आप आउटपुट इंक्रीज कर रहे हो और आपकी कॉस्ट इंक्रीज ना हो रही हो. तो टोटल कॉस्ट आपकी हमेशा इंक्रीज होगी जब आप आउटपुट को इंक्रीज करेंगे. तो बेसिकली इसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे आउटपुट और कॉस्ट का. इस कॉन्सेप्ट में इसमें हम रिलेशन देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट. और इसको हमने शॉर्ट रन क्यों बोला है ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी. डायग्राम्स की मदद से हम इसका रिलेशन देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट. अच्छा इसमें हमारे पास तीन टॉपिक्स आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टोटल कॉस्ट, सेकंड मार्जिनल कॉस्ट और थर्ड एवरेज कॉस्ट. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे लगता है कि मज़ा आएगा तुम लोगों को इसको करने में. सबसे पहले टोटल कॉस्ट स्टार्ट करते हैं. टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं? टोटल कॉस्ट की अगर एक जनरल डेफिनेशन हम लिखें तो टोटल कॉस्ट क्या है? जब फर्म जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करती है उससे जो उसको टोटल कॉस्ट जो वो इनकर करती है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने की वजह से, वो उसकी टोटल कॉस्ट कहलाती है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट की डेफिनेशन कि अ फर्म्स टोटल कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है फरवा, अ फर्म्स टोटल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन.
लाउड बोलूं? अच्छा शॉर्ट रन में क्योंकि हमने बात करी थी कि हमारे पास कुछ जो है वो फिक्स फैक्टर होगा और कुछ वेरिएबल फैक्टर होगा, ठीक है, कुछ फिक्स फैक्टर होगा और कुछ वेरिएबल फैक्टर होगा। तो जो फिक्स फैक्टर पे जो हमें कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? जो फिक्स फैक्टर को यूज करने पे जो हमें कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट। और जो वेरिएबल फैक्टर पे जो हमें कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में हम कहते हैं कि टोटल कॉस्ट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है टोटल फिक्स कॉस्ट का प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है आपके टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं? ये वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये चाहे आप जीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो या चाहे आप जितने भी यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको ये कॉस्ट हर हाल में बेयर करनी पड़ेगी। तो फिक्स कॉस्ट आपकी आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, अब मुझे बिजनेस कोई स्टार्ट करना और उसके लिए मुझे मैंने जो है वो एक शॉप जो है वो रेंट पे जो है वो ले लिया है। अब फर्स्ट मंथ में अगर मैंने अभी जो है वो अपने ऑपरेशन जो भी मैंने प्रोड्यूस करना है वो अभी स्टार्ट नहीं करा, तो क्या मैं रेंट नहीं दूंगी? रेंट तो मुझे हर हाल में देना है। इसी तरह अगर मैंने कोई मशीनरी जो है, मतलब मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लेकर मैंने कोई मशीन्स वगैरह परचेज करी हैं, तो चाहे वो उन मशीन को मैं ऑपरेशन में लेकर आऊँ, उन्हें अभी ऑपरेट करूँ या नहीं करूँ ऑपरेट, चाहे मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ या नहीं प्रोड्यूस कर रही हूँ, बैंक से जो मैंने लोन लिया है उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना है। बैंक ये नहीं बोलेगा कि अच्छा आप अभी इंटरेस्ट ना दें, जब आप अपना काम स्टार्ट कर देंगे तब आप इंटरेस्ट देना स्टार्ट करें। इसी तरह जो आपके इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसकी सैलरी हो गई आपकी, ठीक है ना, ये सारी आपकी फिक्स कॉस्ट होती हैं जो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती, चाहे आप कुछ प्रोड्यूस कर रही हो या प्रोड्यूस ना कर रहे हो, आपको फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट सी इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि इट इज द कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। जी बिल्कुल, आप यूटिलिटी एक्सपेंसेस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट से इनडिपेंडेंट है, आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं हो रही। इट मींस के एग्जांपल वगैरह तो सब जो है वो आपकी लिखे में है नोट्स में, लेकिन अगर मुझे इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी हो तो हमने एक बात याद रखी थी कि इकोनॉमिक्स में प्राइस और कॉस्ट डेटा हमेशा कहाँ प्लॉट होता है। मैंने एक बात करी थी इकोनॉमिक्स में प्राइस और कॉस्ट डेटा हमेशा कहाँ प्लॉट होता है? वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट आप यहाँ पे ले रहे हैं और आउटपुट को आप ले रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे जैसे आप आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं क्या फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज आ रहा है? कोई भी चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो इनडिपेंडेंट है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसकी डायग्राम कैसे, फिक्स कॉस्ट का कर्व हमारे पास कैसा बनना चाहिए? नहीं, प्रॉपर बताओ इस अब्दुल्ला, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिवली स्लोप, नेगेटिवली स्लोप, इस तरह बताओ। बिल्कुल ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि आउटपुट जितना भी चेंज हो जाए, अगर ये फिक्स कॉस्ट आपकी 50 है तो ये आपको जीरो आउटपुट पे भी बेयर करनी पड़ेगी, चाहे आप यहाँ पे 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो फिर भी आपको वही फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आपको एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस की लाइन आ जाती है, सही है, इजी है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाए। अच्छा, अब जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, अब इसको थोड़ा सा जो है वो अटेंटिव होके सुनना। जब
उससे जो हमें कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि हमने लेबर को अपना वेरिएबल फैक्टर लिया, तो लेबर जो हम हायर कर रहे हैं उन लेबर को हायर करने की वजह से जो हमें कॉस्ट आ रही है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व किस, हाँ बिल्कुल, रॉ मटेरियल भी आप बिल्कुल कह सकते हैं। जो वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो किस तरह बनेगा, उसके लिए आपको टोटल प्रोडक्टिविटी के कर्व को याद रखना जरूरी है, ठीक है। ऊपर वाला कॉपी नहीं किया, कर लो कॉपी जल्दी से। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही तो है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो ड्रॉ करनी है। जी फरवा आगे चले। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, वो भी वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी जो है वो वर्टिकल एक्सिस में ही प्लॉट होगी, स्लोप थोड़ी है, वेरिएबल कॉस्ट स्लोप नहीं है। टोटल कॉस्ट का स्लोप, टोटल प्रोडक्टिविटी का स्लोप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और टोटल कॉस्ट का स्लोप मार्जिनल कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो सकती। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि हमने अभी अभी टोटल प्रोडक्टिविटी का कर्व हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, याद रखना कि प्रोडक्टिविटी और आउटपुट का रिलेशन हमने क्या देखा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आउटपुट के बढ़ने से सॉरी लेबर और प्रोडक्टिविटी का जो हमने रिलेशन देखा है, लेबर लिखें या यहाँ पे हम वेरिएबल फैक्टर लिख दें, वेरिएबल फैक्टर के इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी जो है वो क्या हो रही है, एक वक्त तक इंक्रीज हो रही थी, ऐसा ही है। कॉस्ट और लेबर का क्या रिलेशन होगा, वो भी यही रिलेशन होगा कि जैसे जैसे आप लेबर्स हायर करेंगे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। लेकिन प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट का आपस में क्या रिलेशन होगा, प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट का आपस में क्या रिलेशन है, अब इसको समझिएगा। देखें प्रोडक्टिविटी कर्व पहले आपका इंक्रीज हो रहा था किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद प्रोडक्टिविटी कर्व जो है वो आपकी टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा था बट डिमिनिशिंग रेट से, और फिर ये नेगेटिव हो गया था। ऐसी हमने बनाया था प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व, बेसिकली TPL इसको कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो आपकी चेंज हो रही है वो लेबर की वजह से हो रही है। अगर मैंने इसी को देख कर अपना टोटल कॉस्ट कर्व बनाना, ठीक है, इसी को देखकर मैंने अपना टोटल कॉस्ट कर्व बनाना, अब चाहे मैं यहाँ पे लेबर प्लॉट करूँ या मैं आउटपुट प्लॉट करूँ, लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है आपकी। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लूँ तो टोटल प्रोडक्ट कर्व, अब टोटल प्रोडक्ट कर्व पहले इंक्रीज हो रहा था किससे, इंक्रीजिंग रेट से। तो सोच के बताना टोटल कॉस्ट कर्व पहले किस रेट से इंक्रीज होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से या डिक्रीजिंग रेट से। जब प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी किस रेट से। ना करो यार इतने आसान क्वेश्चन का तुम लोग ऐसे आंसर कर रहे हो। इंक्रीजिंग टोटल कॉस्ट कर्व भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, यानी टोटल कॉस्ट कर्व को भी मैंने मुझे ऐसे बना देना चाहिए, सेम टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व जैसा बनेगा। नहीं बन सकता ना, तो तुम लोग इंक्रीजिंग रेट क्यों बोल रहे हो, खुद सोचो कि जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, जब तुमने तुम्हारी लेबर की वेजेस सेम है। देखो मैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंक्रीजिंग रेट बोला। अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे टेबल बना के तुम लोगों को नहीं बता पूछ रही हूँ, एक सिंपल एक बात पूछ रही हूँ, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। बिल्कुल किसी तरह का कोई मैसेज मेरे पास नहीं आना चाहिए। वेजेस फिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 वेजेस हैं हर लेबर को, क्योंकि सेम स्किल्ड लेबर है तो हर लेबर को आप सेम वेजेस दे रहे हैं। जब आपने फर्स्ट लेबर रखा तो उसने आपको जो प्रोडक्टिविटी दी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वो आपको एडिशन जो आपका आउटपुट में हुआ वो 2 हुआ।
दूसरे एडिशनल आपके आउटपुट को इंक्रीज करा वो 6-4 से करा। पहले लेबर को भी आप 100 वेजेस दे रहे थे, दूसरे लेबर को भी आप 100 वेजेस दे रहे हैं, और तीसरे लेबर ने जो प्रोडक्टिविटी आपको 6 दी उसको भी आप 100 वेजेस ही दे रहे हैं। तो मुझे बताओ कि जो स्टार्टिंग में जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है तो तुम्हारी कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से नहीं इंक्रीज होगी। जब तुम उसको डिवाइड करके देखोगे, जब तुम उसका एवरेज निकालोगे, तुम्हें क्या पता चलेगा कि जब एक लेबर प्रोडक्टिविटी आपको 6 दे रहा है उसको भी तुम 100 वेजेस दे रहे हो, एक लेबर तुम्हें 4 प्रोडक्टिविटी दे रहा है उसको भी 100 वेजेस दे रहे हो, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी के लिहाज से कॉस्ट डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी तो कॉस्ट इंक्रीज होगी किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। तो जहाँ जब आपका स्टार्ट में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है इंक्रीजिंग रेट से तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही होगी डिक्रीजिंग रेट से, इस वजह से इसका कर्व स्टार्ट में ऐसा बनेगा। फिर जब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट से तो आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। तो जो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है वो कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी बिल्कुल एक दूसरे के इनवर्स है, कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्स है। तो जब आपका प्रोडक्टिविटी का कर्व का जो शेप होगा उसका बिल्कुल अपोजिट केस आपका जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप होगा। अब मैं एक बात मजीद बताऊंगी कि स्टडी टेक्स्ट में दो डायग्राम्स बनी हुई हैं। एक डायग्राम में उन्होंने सिंपली वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिया, जिसकी वजह से मैं स्टूडेंट्स ने स्टार्ट में बोला था कि इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री लाइन बनेगी, ठीक है, कि आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने उसको स्ट्रेट लाइन बनाया, लेकिन नीचे ही अगर आप उनकी लाइंस पढ़ेंगे, उन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है बहुत सारी अजम्पशंस को जो है वो यूज करते हुए बनी है, लेकिन जो करेक्ट कॉन्सेप्ट है वो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप टोटल कॉस्ट भी 45 डिग्री की नहीं बनेगी, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व जब आपका स्टार्ट में इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है वो आपकी कम होती जा रही है। मैं अपना टेबल पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल इसके थ्रू देती हूँ। अच्छा, अब जिसको समझ में नहीं आया वो इस पे फोकस रख ले, जिसको ऑलरेडी समझ में आ गया उसके लिए ये जरूरी नहीं है। नहीं फरवा, ये रीजन नहीं है। अब वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो हर लेबर को जो है वो आप 100 रुपीस दे रहे हैं, तो दो लेबर्स होंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है 200 हो जाएगी। थ्री लेबर्स रखेंगे तो 300, फोर लेबर्स रखेंगे तो 400, ठीक है। अब जब आपने ये जो आपने फर्स्ट लेबर के बाद जो आपने सेकंड लेबर रखा, इसने आपको कितनी एडिशनल प्रोडक्टिविटी दी, 4, और आपने इसको वेजेस कितनी पे करी है, 100, ठीक है ना। अब इन 100 रुपए में कितने आउटपुट बन रहे हैं, 4 आउटपुट बन रहे हैं। अब इस बात को सुनना, इस 100 रुपए में कितना आउटपुट बन रहा है, 4 यूनिट ऑफ आउटपुट बन रहा है। जब आपने थर्ड लेबर रखा तो उसने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया कितने यूनिट से, 6 यूनिट से। कॉस्ट में कितना एडिशन हुआ आपका, 100 का ही एडिशन हुआ, ऐसा ही है। तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो रही है या नहीं हो रही है, जब आप पर यूनिट निकालेंगे तो कॉस्ट आपको कम नजर आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पे 4 यूनिट बन रहे हैं 100 रुपीज में, यहाँ 6 यूनिट बन रहे हैं 100 रुपीज में, तो पर यूनिट कॉस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हर इनिशियली आपका हर लेबर जो है वो पहले के मुकाबले में प्रोडक्टिविटी ज्यादा दे रहा है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स है, तो पर यूनिट प्रोडक्टिविटी आपकी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये वाली बात थी, जिसको नहीं समझ में आया था उसको शेड्यूल से समझ में आ गई। इसी वजह से टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व अगर आपका स्टार्ट में इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से तो टोटल कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से, और बाद में जब वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, अब सोचो, टेबल को जहन में लेकर आओ
कि जैसे जैसे अब हर एडिशनल लेबर तुम्हें पहले के मुकाबले में कम प्रोडक्टिविटी दे रहा है, कॉस्ट तो तुम्हारी सेम आ रही है, अब तुम देखोगे पर यूनिट कॉस्ट तुम्हारी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। तो इसी वजह से वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो अब तुम्हारा बन रहा है इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। इस वजह से वेरिएबल कॉस्ट का कर्व आपका इस तरह बन के आता है। इस कर्व को जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कंबाइन करेंगे और फिर बस यहाँ पे क्लास एंड कर देंगे। मेरे ख्याल में इस कर्व को ड्रॉ करने में तो कोई की देर नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, अब मैं टोटल कॉस्ट कर्व को मैंने ड्रॉ करना है, अब मुझे टोटल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है। अब बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने आउटपुट प्लॉट किया है, यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्लॉट करी है। फिक्स कॉस्ट क्या है आपकी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे मैंने फिक्स कॉस्ट ड्रॉ कर दी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से। वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी, क्योंकि जब जीरो आउटपुट है तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी जीरो है, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगी। और रिलेशनशिप आपने अपने जहन में रखना है, तो आपने, हाँ बिल्कुल अभी ऐसा ही है, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करने से पहले मैं एक बार डिस्कस करना चाहती हूँ कि पहले एक बात तो हमें पता है कि अगर हमें हम फिक्स कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है, सही है। अच्छा, मेरे पास ये इस तरह की एक लाइन बनी हुई हो, कोई सी भी लाइन हो, कोई सी भी शेप हो, उसमें मुझसे बोला जाए कि ये फाइव यहाँ पे हो, उसमें मुझसे बोला जाए कि आप फिक्स नंबर को ऐड कर दें, तो इस लाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इस लाइन का शेप चेंज हो जाएगा? ये हर जगह से फिक्स नंबर से सेम उसी शेप में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपका इस तरह का कर्व बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से फाइव है, यहाँ से, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को मुझे पता है कि ये बात क्लियर है, लेकिन जिनको कंफ्यूजन हो सकती है उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ। सबने बिल्कुल ठीक बताया है, हाँ, कि टोटल कॉस्ट कर्व कहाँ से शुरू होगा। अगर मैं यहाँ पे भी सेम वही बात बोलूँ कि मैं फाइव फिक्स नंबर जो है वो हर पॉइंट में ऐड कर दूँ, तो ये यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ से हो जाएगा 15, ये यहाँ से हो जाएगा 10, तो ये लाइन सेम आपकी जो है वो उसी शेप की सेम जो है वो क्या हो जाएगी, सिंपली ऊपर अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिक्स नंबर जो है वो मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो सेम उसी शेप में जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स कि जब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट, जो कि एक फिक्स नंबर है, अब चाहे वो 50 हो, 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, जितनी भी फिक्स कॉस्ट है, जब एक फिक्स नंबर जब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर दूंगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, बस वो क्या हो जाएगी, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और स्टार्ट कहाँ से होगा टोटल कॉस्ट का, यहाँ से। यहाँ से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपकी क्या है, टोटल कॉस्ट है। तो जब आउटपुट आपका जीरो है, जब आपका आउटपुट जीरो है, तो आपकी फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है, जबकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो है। तो टोटल कॉस्ट आपकी सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आपका टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट होगा, जीरो आउटपुट पे भी आप फिक्स कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, और इन इसका जो डिस्टेंस है वो आपने सेम रखना है हर पॉइंट पे, ये आपने ख्याल रखना है बस। हर पॉइंट पे इनका डिस्टेंस सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो आपको क्या बता रहा है, इसका डिस्टेंस आपको क्या बता रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस क्या बता रहा है हमें, टोटल फिक्स कॉस्ट बता रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस हमें क्या बता रहा है, फिक्स कॉस्ट बता रहा है। फिक्स कॉस्ट एक फिक्स नंबर है, इसलिए सिंपली ये पैरेलल जो है वो आपका अपवर्ड शिफ्ट हो गया, और इसका हर तरफ से डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ जो है वो हमारी डिस्कशन जो है वो एंड हो गई है। जितना हमने पढ़ लिया है उसको अच्छे से जो है वो समझ रीड कर लेना, जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के जो जहाँ से आपने याद करना है वो डॉक्यूमेंट में पीडीएफ जो है वो मैं आज सेंड अभी ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो उससे आप लोगों ने जो है वो तैयारी कर लेनी है, ठीक है।
मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं साहब मैसेज करके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।